तैयारी कर रही हैं, या फिर डिफेंस में एनडीए सीडीएस एफकेट या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, या फिर उसके साथ केवीएस एनवीएस सीटेट एसटेट यूपी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रही हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि नेशनल मोमेंट का दौर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ये मैं नहीं, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये पिछले सालों के जैसे जैसे पेपर उठाओगे आप लोगों को इस जोन से काफी क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आज हम 1905 से लेकर के 1947 तक की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के इस पोर्शन को देखेंगे, जिसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को नई पता चलेंगी। और ये मेरी गारंटी है कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती हैं, अब उनको ये समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री की डेट्स आपको याद नहीं करनी है, बल्कि उन्हें कनेक्ट करना है। अब आपको डेट याद ही नहीं रखनी है, ये चीज आप छोड़ दीजिए, आज हम डेट से घटनाओं को कनेक्ट करने का फार्मूला देखेंगे। दूसरी चीज इसमें यह ध्यान रखना कि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो रहेगी, और इसमें आप लोग अगर ये घंटा सवा घंटा आज निकाल लेंगे अपने लिए, तो फ्यूचर में आप लोगों को न किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, न किसी और जगह से पढ़ने की नौबत आएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 8447410108, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर जो भी चीज आप चाहिए वो जानकारी आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की हर हालत में हर कदम पर हम मदद करेंगे, जब तक आप लोग सिलेक्शन नहीं ले लेते, या फिर जब तक आप लोगों के अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा है, तब तक हम आपके साथ हैं। आइए 1905 से लेकर के 1947 की मॉडर्न हिस्ट्री के इस पोर्शन को देखते हैं। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी डाली जा चुकी हैं, चाहे मिडवल की बात हो चाहे एंशिएंट की बात हो, और साथ साथ में हम दोबारा भी लेके आएंगे। मॉडर्न की पहले भी ये वीडियो डाली थी, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें लगा कि चलो इसको दोबारा बना दिया जाए। आइए करते हैं सिलसिला शुरू। सबसे पहले दोस्तों, अगर 1905 से लेकर के 1947 तक की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो घटना रहेगी वो बंगाल का विभाजन रहेगी, यानी बंगाल का पार्टीशन रहेगी। ये आप सभी जानते हैं कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो एक बहुत बड़ी खतरनाक सी घटना मानी गई है, क्योंकि इस बंगाल विभाजन को करने का अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में था। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान होगा कि 1905 के आसपास गरम दल का उदय हो चुका था, और इस दौर के अंदर बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, और जब बंगाल के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी तो अंग्रेज सरकार के अफसर सारे के सारे उस एरिया से डरते थे। तो उस समय अंग्रेजों के ने के इस एरिया में ज्यादा गतिविधियां होने की वजह से जब इंग्लैंड सरकार ने पूछा भारत के वायसरॉय से या बड़े बड़े अधिकारियों से कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कामयाब क्यों नहीं है, तो भारत के उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने अंग्रेजी संसद को बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस समय अंग्रेजी सरकार ने पूछा कि तो क्या करना है, तो वायसराय ने कहा कि अगर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, बंगाल को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इस पर अंग्रेजी सरकार ने आदेश दिया कि जैसा तुम्हें ठीक लगे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर बंगाल के 2 टुकड़े आपने करने ही हैं, तो एक तीर से 2 निशाने करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 2 टुकड़े भी कर दीजिए, और टुकड़े ऐसे कीजिए कि जिसमें धर्म के आधार पर बंटवारा भी हो जाए, 1 टुकड़े के अंदर हिंदुओं को रख दिया जाए और दूसरे टुकड़े के अंदर मुस्लिमों को रखा जाए, यानी विभाजन इस तरीके से हो जाए। ये जो पहली बार एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया था, इसे बंग भंग भी कहा गया, इसे बंगाल का विभाजन भी कहा गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय देशभक्तों को अंदर से झकझोर दिया। दोस्तों यहां 2 रीजन है, जो बंगाल विभाजन के लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों को बताए वो अलग रीजन था, और जो भारतीयों को कहा गया वो अलग रीजन था। अंग्रेजों को जो कहा गया वो तो ये था कि अगर बंगाल के टुकड़े हो जाते हैं तो क्रांतिकारियों को काबू करना आसान हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय थे जो पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बड़ा प्रांत है,
इतने बड़े प्रांत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो समस्या है ही है, डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। और अगर बंगालियों को डेवलपमेंट चाहिए तो आप लोगों को बंगाल के विभाजन का स्वागत करना चाहिए, ये उसकी भारतीयों के लिए चाल थी। लेकिन दोस्तों जब ये हिंदू और मुस्लिम के आधार पर टुकड़े हुए तो भारतीय सभी लोग समझ गए और देश के अंदर एक आंदोलन हुआ, जो आंदोलन पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था। और यहीं पर बंगाल विभाजन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया जो अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक चलता रहा। ये विभाजन 1905 में हुआ और 1911 तक यह आंदोलन, 5 से 11 तक भारतीयों ने आंदोलन किया और आखिर में 1911 में अंग्रेजों ने इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। यहाँ कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को कई बार जरूरत पड़ जाती है, उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था, लेकिन विभाजन को रद्द जब किया गया तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। दो चीज तो ये ध्यान रखेंगे, विभाजन करने वाला लॉर्ड हार्डिंग था 1911 में और विभाजन करने वाला 1905 में लॉर्ड कर्जन था। इसने विभाजन किया, हार्डिंग ने इसे रद्द किया और बंगाल के दो टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, बंग भंग इसे कहा गया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे देश के अंदर चला। आखिर में भारतीय जनता के क्रांतिकारी कामयाब हुए और अंग्रेजों ने 1911 में घुटने टेकने पड़े। ये थी सबसे पहली इंसिडेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, जापान रशिया वॉर, जापान रूस युद्ध। दोस्तों जब मैं आपको ये कह रहा था कि आप लोगों को डेट याद करने में समस्या नहीं आएगी, अब हम डेट याद नहीं करेंगे, अब हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ। अब अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको डेट याद रखने की समस्या ही नहीं है, काउंटिंग तो हम सबको आती ही है ना। अब हम इन सालों से घटनाओं को इंसिडेंट करेंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या ही ना रहे। तो इस सिलसिले पर अगर चलेंगे, इस फ्लो चार्ट से चलेंगे, इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, तो आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि कंप्लीट, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है वो आप लोगों की होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिना किसी समस्या के होगी। अगर आप लोग प्रिंटिंग नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो आप बाय ऑर्डर ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, एड्रेस सेंड कीजिए और आपके घर पहुंच जाएंगे। ये सारी सुविधाएं हम आप लोगों को इसलिए देते हैं क्योंकि जो आप मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, उसमें थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो जाए। आइए करते हैं दूसरी बात, जापान रशिया युद्ध। दोस्तों 1905 में जापान और रूस का युद्ध हुआ। जापान रूस के सामने, जापान एक चींटी जैसा देश था और रूस एक हाथी के बराबर माना जाता था उस समय देखा जाए तो। और जापान और रूस का जो युद्ध था वो दुनिया में एक अलग सी उसने एक तस्वीर पेश कर दी। जापान रशिया युद्ध के अंदर जापान की जीत हुई और रूस की हार हुई, जिससे ये कहा गया कि भारतीयों के अंदर खास करके जोश पैदा हुआ। भारतीय गरमदल वालों की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है। इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारियों को एक नई एनर्जी दी, एक नया जोश दिया। देश के क्रांतिकारी गरमदल वाले लोग यहाँ कहने लगे कि अगर जापान जैसा चींटी जैसा देश रूस जैसे देश को हरा सकता है तो क्या इतने करोड़ों भारतीय, चंद हजार और लाखों इंग्लैंड के लोगों को क्यों नहीं निकाल सकते। यानी अगर जापान रूस को हरा सकता है तो हम इतने ज्यादा लोग, चंद इंग्लैंड के लोगों को, अंग्रेजों को, गोरों को क्यों नहीं भगा सकते। ये एक नया रोड मैप यहाँ भारत की क्रांति में शुरू हुआ मोमेंट के लिए, तो एक ये भी माना जाता है। यहां भी आप इसको एक बार अच्छे से याद रख के चलेंगे। उसके बाद तीसरी अगली घटना पर 1906 में हम आते। मैंने कहा था कि आपको हर साल की इंसिडेंट बताई जाएगी। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों ये भारतीय इतिहास के अंदर एक बहुत दर्दनाक घटना थी क्योंकि यहीं से देश के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। क्योंकि यहाँ दो तीन चीजें बड़ी अहम मानी जाती हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई। दोस्तों आपको ध्यान है 1857 की जब क्रांति हुई तो हम लोग एस्पल तो हो गए थे, लेकिन यहां हमें जो सबसे खास बात हमें मिली थी वो भारतीयों के लिए थी हिंदू मुस्लिम एकता। ये भारतीयों ने बहुत जबरदस्त कमाई थी क्योंकि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से लेकर के, चाहे आपके देश के अंदर मोहम्मद गोरी के आक्रमण हो, चाहे तैमूर के आक्रमण हो, चाहे नादिर शाह के आक्रमण हो, चाहे फिर दूसरे खिलजी जैसे लोगों के अटैक हों,
या फिर औरंगजेब जैसे लोगों के अत्याचार हों, इनसे जो हिंदू मुस्लिमों के अंदर जो दूरियां बढ़ी थी वो दूरी समाप्त हुई 1857 की क्रांति में। हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर के एक दूसरे का साथ दिया और भाईचारा दोबारा से कायम हुआ। लेकिन अंग्रेज घबराए हुए थे, उनको जीत तो मिली थी लेकिन सुकून नहीं मिला था। यहां उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना है, और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना जब की तो कांग्रेस अपने लिए बनाई, लेकिन जब कांग्रेस उनके हाथ से निकल गई तो उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बोलना शुरू किया। ये थोड़ा सा बैकअप ले रहा हूं मैं आपको इसका, ताकि आप लोगों को मामला समझ आए। 1885 में जब उसने कांग्रेस को स्थापना की तो उसके ठीक 2 साल के बाद ही 1887 में ही उसने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बोलना शुरू कर दिया। और जब हिंदुओं की संस्था बोलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते थे कि कांग्रेस तो हिंदुओं की है। और एक स्ट्रेटजी, एक चाल और चली अंग्रेजों ने 1885 से लेकर के 1905 तक, कितने साल, 20 साल। 20 साल अंग्रेजों ने हिंदुओं को सपोर्ट किया और मुसलमानों को इग्नोर करना शुरू किया। और 20 साल तक जब हिंदुओं को सपोर्ट किया और मुसलमानों को कहीं ना कहीं बायकाट किया, तो वहां हिंदू और मुस्लिमों में थोड़ी सी कटुता पैदा हुई। क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर क्लास में दो स्टूडेंट एक जैसे हों और टीचर एक का पक्ष लेगा तो दोनों स्टूडेंटों में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। तो यहाँ 20 साल तक उन्होंने भारतीयों के अंदर हिंदुओं को सपोर्ट किया, मुसलमानों को कमजोर किया। इससे मुसलमान हिंदुओं से नफरत करने लगे और 1905 तक ये नफरत बढ़ती गई। जब 1906 में सारे के सारे मुसलमानों को ढाका में इकट्ठा करके अंग्रेजों ने पूछा कि आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, मुसलमानों ने कहा कि बिल्कुल चाहिए, तो अंग्रेजों ने पूछा कि आपका डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हिंदुओं का क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस है। अगर आप लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो आप लोगों की एक संस्था होनी चाहिए, आप लोग अपनी कोई संस्था बनाओ। और यहीं से मुस्लिम लीग की नींव रख दी गई, क्योंकि मुसलमानों को भी लगता था कि अगर हिंदुओं की संस्था कांग्रेस उनका डेवलपमेंट करवा रही है तो हमारे पास भी मुस्लिम लीग होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी, एक बहुत बड़ी गुगली थी जो अंग्रेजों ने फेंकी थी और जिसमें भारतीय मुस्लिम समुदाय फंस गया। और यहीं से भारत के टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी थी। यहां से पाकिस्तान के विभाजन की, पाकिस्तान के जन्म की और भारत के विभाजन की नींव की पहली ईंट रख दी गई थी, ये लोगों का मानना है। अच्छा, कई बार यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन आए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो ज्यादातर पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो जिन्ना ही पहला व्यक्ति था मुसलमानों में जिसने कहा था कि मुस्लिम लीग गलत बनी है, ये ऐसी संस्था बनी है जो देश के टुकड़े करवा देगी। वो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के विपक्ष में था और कांग्रेस के अंदर वो सेक्रेटरी के पद पर था। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय कांग्रेस में सचिव के पद पर था। और उस, हालांकि वो बाद में रीजन रहे कि गांधी नेहरू से उसके मतभेद हुए, वो मुस्लिम लीग में गया, कांग्रेस छोड़ी मुस्लिम लीग में बना गया, और बाद में भारत का विभाजन करने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान के बनवाने में और देश का टुकड़े करने में जिन्ना का ही रहा। ये इसकी दूसरी भी सच्चाई है। अब यहां देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए क्या क्या रणनीतियां यहाँ बनाई गई थी। इसके लिए आपको 3 डेट याद रखनी पड़ेंगी, 1906, 1907 और 1908। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना और 1908 में मुस्लिम लीग की पहली बैठक हुई। ये चीज, अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई, ढाका के अंदर हुई। संविधान कहां पर बनाया गया, कराची में बनाया गया। और पहली बैठक कहां पर हुई, अमृतसर के अंदर हुई। ये 3 चीज और ध्यान रखनी है। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, 7 में इसका संविधान बनाया कराची में, और 8 में इसकी पहली बैठक हुई अमृतसर के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, जो ढाका के अंदर पहले सबसे पहले बैठक हुई थी वो बैठक 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ढाका में जो पहली बैठक हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, और यहाँ किसके निमंत्रण पर हुई थी, नवाब सलीमुल्ला खान, नवाब सलीम उल्लाह खान के बुलाने पर हुई थी, इसके अध्यक्षता में हुई थी। और यहाँ पे संस्थापक के रूप में एक व्यक्ति और था मुस्लिम लीग के,
आगा खान, सर आगा खान भी इसका संस्थापक माना जाता है। नवाब सलीमुल्लाह खान और सर आगा खान ने मुस्लिम लीग की यहां पर स्थापना की थी। ये दो दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और पहला अध्यक्ष यहाँ अमृतसर की बैठक के अंदर मुस्लिम लीग का जो बना वो भी आगा खान ही था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष अमृतसर मीटिंग के अंदर जो फर्स्ट चेयरमैन बना वो भी सर आगा खान ही बना था। एक ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब बात करते हैं सूरत स्प्लिट की, सूरत विभाजन की। 1907 में सूरत का विभाजन हुआ, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं, इसे कांग्रेस विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के अंदर दो टुकड़े ऑलरेडी हो चुके थे। एक पार्ट था गरम दल वाले लोगों का और दूसरा पार्ट था नरम दल वाले लोगों का। ये नरम दल वाले वो लोग थे जो ठंडे विचारों के लोग थे, जो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, मिलना, बात करना, इन चीजों में विश्वास रखते थे। और गरम दल वाले लोग थे जो लोग कहते थे कि अंग्रेज मांगने से नहीं छीनने से अधिकार देंगे। यहां पर अगर बात करेंगे गरम दल वाले लोगों के अंदर, यहां पर तीन लोग खास माने जाएंगे, लाल, बाल, पाल। और अगर नरम दल वालों में मानते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले WC बनर्जी का नाम आ सकता है, फिर आपका दादा भाई नौरोजी का नाम आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी, उसके बाद आपका आ सकता है फिरोज शाह मेहता, ये नाम भी इसमें आ जाएगा, फिरोज शाह मेहता। अब इन सारे लोगों को आप ध्यान से देखोगे तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जिनका हिसार हरियाणा के अंदर जन्म हुआ, लाहौर में पले बड़े, हिसार से ही राजनीति शुरू की और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये अंग्रेजों की लाठियों का शिकार हुए, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसा पहला व्यक्ति जिसके नाम बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं, दो समाचार पत्र मराठा और केसरी इन्होंने ही शुरू किए थे। मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर शुरू किए, ये इनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। इसी के साथ साथ दो त्योहार इन्होंने शुरू किए, एक आपका गणेश गणेश चतुर्थी जिसे आप गणपति कह सकते हैं समारोह, और दूसरा आपका शिवाजी महोत्सव। दो बड़े फंक्शन देश के अंदर आज भी धूम से मनाए जाते हैं, चाहे भारत के अंदर गौ रक्षा दल हो, चाहे लाठी दल हो, चाहे फिर दूसरे बड़े बड़े संस्थाएं हो। भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक जेलों में रहने वाले सत्याग्रही के रूप में इनका नाम आता हो, तो काफी सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। WC इधर के नेता देखेंगे तो WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, दादाभाई नौरोजी दा भारत के सबसे वयोवृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन देश के माने जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर कॉमन हाउस का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं, पहला व्यक्ति जिन्होंने पर कैपिटा इनकम का सिद्धांत दिया, पहला व्यक्ति जिन्होंने ड्रेनेज थ्योरी का सिद्धांत दिया, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु, फिरोज शाह मेहता नरम दल के एक बहुत बड़े वकील। जब कांग्रेस के विभाजन के टुकड़े हुए तो उस समय फिरोज शाह के ऊपर ही पहली बार जूता फेंका गया था, ये माना जाता है। अब सूरत विभाजन की वजह क्या है? सूरत विभाजन की वजह यह है कि जब से कांग्रेस बनी थी 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस के ऊपर नरम दल का प्रभाव था, और जो गरम दल नया नया 1904-5 से शुरू हुआ था, पांच से, उसके लोग भी चाहते थे कि उन्हें भी कभी न कभी चेयरमैन का पद या बड़े पद मिले, या उनकी भी कांग्रेस में हिस्सेदारी हो, या उनकी भी बातों को ध्यान से सुना जाए। लेकिन नरम दल वाले ये लोग कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि नरम दल वाले अपने आप को कांग्रेस का रियल उत्तराधिकारी मानते थे, गरम दल वालों को नहीं। अब यहां जो शुरुआत हुई वो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि गरम दल वाले अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते थे, नरम दल वाले उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं पर 1907 के अंदर जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो सूरत में हुई। कई बार क्वेश्चन आता है अध्यक्ष कौन था, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष सूरत मीटिंग के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब वो अध्यक्षता कर रहे थे तो कुछ मुद्दों को लेकर के दोनों ग्रुप के लोगों में बहस हुई, और फिर वही खेल शुरू हुआ जो भारतीय नेताओं के लिए सबसे बुरा माना जाता है, जूते चप्पल लात घूंसे, वही मारपीट का दौर शुरू हुआ।
कभी टेबल ऊपर तो नेताजी नीचे, और कभी मेज ऊपर तो नेताजी के ऊपर कुर्सियां। ये माहौल जब हुआ तो जब संग्राम रुका तो फैसला किया गया कि एक ही कांग्रेस में रहेगा, या नरम दल या गरम दल। बाद में जब फैसला हुआ कि भाई वोटिंग करवा ली जाए, वोटिंग करवाई गई, वोटिंग में गरम दल वाले लोग कम थे और नरम दल वाले लोग ज्यादा थे। बाद में फैसला ऑटोमेटिकली होना था कि नरम दल वाले कांग्रेस में रहेंगे और गरम दल वालों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। इसी विभाजन को कांग्रेस विभाजन कहते हैं, सूरत विभाजन कहते हैं, सूरत स्प्लिट कहते हैं। तो यहां भी याद रखना है, चेयरमैन का नाम पूछ सकते हैं, विभाजन कब हुआ, किन लोगों को निकाला गया, कौन से लोग कांग्रेस के अंदर रहे। हालांकि विभाजन 1907 में हुआ, फिर जाकर के दोनों ग्रुप 1916 में जाकर इकट्ठा हुए, लखनऊ समझौते थे, उसे हम भी डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद बात करते हैं खुदीराम बोस को फांसी की। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के अंदर खुदीराम बोस का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने हजारों लाखों भारतीयों को फांसी दी, लेकिन जब फांसी के लिए कुछ लोगों को स्पेशल एग्जाम के हिसाब से याद रखा जाता है तो या तो खुदीराम बोस का नाम आता है या फिर अशफाक उल्ला का नाम आता है, अशफाक उल्ला खान का नाम आता है, या फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आता है। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम से तो आप सभी वाकिफ भी हैं। 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, जिसे देश में आज भी एक बड़े शोक के दिन के रूप में मनाते हैं। अशफाक उल्ला खान पे क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि पहला मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी। और खुदीराम पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सबसे छोटी उम्र का क्रांति, सबसे युवा क्रांतिकारी, सबसे बालक क्रांतिकारी माना जाता है खुदीराम बोस को। अब देखते हैं कि मेन घटना क्या है। सबसे पहले मैं डेट बता दूं, खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। वजह क्या है, खुदीराम बोस के साथ एक व्यक्ति और था उस समय जिसका नाम था प्रफुल्ल चाक्की। प्रफुल्ल चाक्की भी खुदीराम बोस के साथ एक घटना को अंजाम देने में था। खुदीराम बोस के ऊपर चार्ज क्या था, खुदीराम बोस ने एक अंग्रेज जज की हत्या की थी बिहार के मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज जज था किंग्सफोर्ड, एक अंग्रेज जज था, सेशन जज था किंग्सफोर्ड। इस ये एक चाम के लिए बदनाम था। ये व्यक्ति क्या था, जितने भी भारतीयों का कसूर होता था उन्हें खतरनाक दंड देता था और अंग्रेजों को ये माफ कर देता था, यानी भेदभाव बहुत ज्यादा करता था। क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड का ट्रीटमेंट तो जरूर करना है, इसे सबक सिखाना है। जिम्मेदारी दी गई प्रफुल्ल चाक्की और खुदीराम बोस को कि तुम किंग्सफोर्ड को सबक सिखाओगे। इन दोनों ने इस जज के ऊपर हमला किया, इसे गोली का शिकार बनाया और इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाक्की दोनों फरार हो गए। अंग्रेजों की पुलिस का डर बहुत खतरनाक होता था। कहते हैं कि प्रफुल्ल चाक्की घबरा गया और उसने घबरा करके आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस नहीं घबराया, वह निकलता रहा, छिपता रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ करके फांसी दे दी। ये प्रफुल्ल चाक्की का क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इसलिए कुछ जगह उनका नाम कम लिया जाता है। लेकिन क्रांतिकारी वो भी महान था और खुदीराम बोस भी महान था। खुदीराम बोस की जब हत्या की गई तो कहा जाता है कि 14 साल 7 महीने की एज उसकी थी, यानी 14 साल 7 महीने की उम्र में जब हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर चक्कर लगाते हैं, उस एज में इस व्यक्ति ने भारत माता के लिए अपने प्राण हंस के दे दिए थे। ऐसे लोगों के वजह से हमें आजादी मिली है, इस आजादी का हम सबको सम्मान करना चाहिए। तो यहां भी ध्यान रखना है, ये खुदीराम बोस को लेकर के ये मामला यहाँ पर आपको दिखता है। हालांकि कुछ किताबों में ये 15 साल मिल जाता है, कुछ में 18 साल मिल जाता है, वो एक अलग वजह है। उसके बाद बात करते हैं मार्ले मिंटो एक्ट की। मार्ले मिंटो एक्ट, दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के अंदर अंग्रेज लेकर आए थे। चाहे मार्ले मिंटो एक्ट हो, चाहे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, चाहे 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो, ये सारे के सारे वो एक्ट हैं जो अंग्रेजों के लिए, भारत के लिए थोक में लाए गए थे। अंग्रेजों का दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा था तो इसलिए वो एक साथ
एक देश के लिए बल्क में कानून लेके आते थे और 8-10 सालों के लिए उन कानूनों को टिके रहने देते थे, फिर 10 साल बाद फिर लेके आते थे, फिर उनको लंबे समय तक रोक के रखते थे। ये अंग्रेजों ने मार्लेमिंटो एक्ट यहाँ पर अंग्रेज लेकर आए थे। सबसे पहली चीज तो ये है कि अंग्रेजों ने मार्लेमिंटो एक्ट के अंदर जो मेन रूप से जो काम किया वो भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसकी अगर सबसे मेन चीज देखी जाए तो मार्लेमिंटो एक्ट के बारे में जो सबसे खतरनाक घटना थी वो थी धर्म के आधार पर धार्मिक राजनीतिक आरक्षण। ये सबसे खतरनाक घटना यहाँ थी। अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिमों को राजनीतिक आरक्षण दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया था, जिससे ये कहा गया कि अगर मुसलमान चुनाव लड़ेगा तो उसे वोट देने वाला सिर्फ मुसलमान ही होगा। इससे हुआ कुछ नहीं, लेकिन भारतीय हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक भेदभाव पैदा हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर दूरियां पैदा हो गई, जिससे अंग्रेज कामयाब हो गए अपनी फूट डालो और राज करो की नीति में। यहाँ एक देश के टुकड़े जो धार्मिक आधार पर हुए वो बहुत भयानक थे, क्योंकि 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग बनाते हुए मुसलमानों को ये वायदा किया था कि अगर आप अपने लिए मुस्लिम लीग बनाओगे तो आपकी भी मदद की जाएगी। और ये आपको ध्यान है, 1885 से लेकर 1905 तक ये 20 साल अंग्रेजों ने हिंदुओं को सपोर्ट किया, मुसलमानों को बाइकाट किया, और 1905 से लेकर के 1920 तक फिर उन्होंने मुस्लिमों को सपोर्ट किया और हिंदुओं को यहाँ बाइकाट किया, जिससे दोनों धर्मों के अंदर दूरियां बढ़ती चली गई और एक प्रकार से देश के टुकड़े होने की तस्वीर यहाँ साफ होती नजर आई। एक तो ये आपको यहाँ 1909 के अंदर मार्लेमिंटो एक्ट के बारे में कुछ चीज देखनी है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है 1 जुलाई 1909 के बारे में। ये 1 जुलाई 1909 के बारे में भी क्वेश्चन आता है। यहाँ विलियम कर्जन वाइली की, यहाँ एक व्यक्ति की हत्या की गई, विलियम कर्जन वाइली, विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई एक भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा, जिसका नाम था मदन लाल ढिंगरा। मदन लाल ढिंगरा एक महान भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा अंग्रेजों के महान अफसर विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई। जब उसकी गोली मारकर हत्या की गई तो 1 जुलाई को यह घटना हुई और 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढिंगरा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। ये भी 1909 की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और इसी साल के अंदर थोड़ा सा आगे जाओगे आप लोग, 31 दिसंबर 1909 को ही, इसी साल थोड़ा आगे बढ़ोगे, 21 दिसंबर 1909 को इसी दिन अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। किसने? अनंत कहरे ने, अनंत कान्हरे ने यहां पर अंग्रेजों के अफसर जैक्सन की हत्या कर दी थी गोली मारकर। यानी ये वो समय था जब क्रांतिकारी अंग्रेजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे, अंग्रेजों के हौसले जवाब दे रहे थे और भारतीय क्रांतिकारी एक से एक अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए लगे हुए थे। तो यहां भी आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 के अंदर। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार के अंदर हुआ क्या था। दिल्ली दरबार एक भव्य दरबार लगाया गया, हालांकि भारतीय सारी पार्टियां नाराज थी, क्योंकि देश के अंदर 1910 और 11 के अंदर भयंकर अकाल पड़े थे और भारतीय लोग कहते थे, क्रांतिकारी पार्टियां, भारत की पार्टियां, कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी ये मानते थे कि दिल्ली दरबार ना लगा जाए, क्योंकि दिल्ली दरबार के अंदर अंग्रेजों का जो राजा था जॉर्ज पंचम वो आना था, और जॉर्ज पंचम भारत में आना था तो शाही दरबार लगना था, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर पानी की तरह बहाने थे। लेकिन भारतीयों के पास पैसा नहीं था, हमारे देश की पार्टियां नाराज थी, बट अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। जॉर्ज पंचम के लिए शाही दरबार का आयोजन किया गया। भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। यहाँ पर जॉर्ज पंचम भारत के अंदर एक मेहमान बनकर के देश के लिए आया था, लेकिन यहाँ जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भी थी, जॉर्ज पंचम और मैरी, ये दोनों के दोनों भारत के अंदर आए थे। अच्छा, यहाँ हुआ क्या था?
खास बात अगर आप देखोगे तो 1911 के अंदर आप लोगों को यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि दो तीन बड़े फैसले यहाँ अंग्रेजों ने किए थे दिल्ली दरबार के अंदर जॉर्ज पंचम के आने से। सबसे पहले अगर देखते हो तो यहाँ जनगण मन आया गया था, जनगण मन गाया गया, जनगण मन 1911 के अंदर गाया गया रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा। रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा जनगण मन को गाया गया, डेडिकेट किसको किया गया, डेडिकेट किया गया जॉर्ज पंचम को। गाया कहाँ गया, कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में जनगण मन को यहाँ गाया गया था। यह कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसे गाया था। और ये भी कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इसे लिखने और गाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई वरिंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों के उस समय एक बड़े अधिकारी थे, उनके कहने पर रविंद्रनाथ टैगोर पर दबाव बना और फिर उन्हें इसको लिखा भी और गाया भी। कुछ लोग आज भी इस बात की आलोचना करते हैं कि जनगण मन अंग्रेजों की निशानी है, हम इसको क्यों अपनाएं, लेकिन आजादी के बाद हमने इसे अपने नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया है, तो आज हमारा ये गौरव है। आजादी के लोग भी इसी के ऊपर झूम करके शहीद हुए हैं, तो आज हमारे लिए ये एक भक्ति गीत के रूप में, देश के एक पवित्र सॉन्ग के रूप में हम इसको आज मानते हैं गीत के रूप में। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक और कही जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जब ये गीत गाया तो अंग्रेजों ने भी जॉर्ज पंचम की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ सर का टाइटल दिया गया, सर की उपाधि दी गई थी। क्या, कौन सी उपाधि, सर की उपाधि, इसे नाइटहुड टाइटल भी कहते हैं, नाइटहुड, नाइटहुड का शीर्षक भी कहते हैं या नाइटहुड की उपाधि भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि या ये टाइटल भी दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि यही रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 के अंदर भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के जोन में। एक किताब थी इनकी गीतांजलि, गीतांजलि के ऊपर इन्हें ये मिला था। और गीतांजलि को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1910 में, उस इंग्लिश की ट्रांसलेशन की प्रति पर ये उनको नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला था। तो फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द भारत नोबेल प्राइज पहली बार, ये भी याद रखना। उसके बाद बंगाल पार्टीशन रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 के अंदर। मैंने पहले भी आपको बताया था 1911 के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द इसलिए किया गया क्योंकि देश के अंदर क्रांतियां बढ़ रही थी, लोगों का रोष बढ़ रहा था और अंग्रेजों ने आखिर में जाकर इसे रद्द करना पड़ा। रद्द करने वाला लॉर्ड हार्डिंग था। उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर करने का प्लान जो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में घोषणा की गई, 1911 में घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई कि जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाए। और दूसरा, ये यहाँ पर घोषणा हुई थी 1911 में, और यहाँ शिफ्ट कब की गई, अगर राजधानी शिफ्ट की बात आएगी तो फिर आपका आंसर 1912 रहेगा। ये भी काफी सारा कंफ्यूजन होता है। तो 1911 में घोषणा हुई, 1912 में शिफ्ट किया गया। कहते कि अंग्रेज कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लेकर क्यों भागे थे, क्योंकि कलकत्ता में क्रांतिकारियों ने, गरम दिल वाले लोगों ने अंग्रेजों का जीना मुहाल कर रखा था, तो वो वहां से अपनी राजधानी को लेकर के ऐसी जगह भाग के आए थे जहां वो सुरक्षित हों। और उस समय दिल्ली उनके लिए सुरक्षित थी क्योंकि दिल्ली के आसपास से, चाहे यूपी के कुछ रजवाड़े हों, राजस्थान के कुछ रजवाड़े हों, हरियाणा के कुछ राजा हों, जो इस तरफ के पंजाब के कुछ राजा हों, मध्य प्रदेश के कुछ सिंधिया जैसे, सिंधिया खानदान जैसे राजा हों, ये वो लोग थे जो उस समय अंग्रेजों की बहुत बड़ी चमचागिरी करते थे, अंग्रेजों के आगे पीछे घूमते थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार थे। इसलिए अंग्रेज अपनी राजधानी को इस एरिया में लेकर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल के क्रांतिकारी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी पाएंगे तो चुनिंदा लोग आएंगे, बड़ी क्रांति में लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये वजह क्रांति के विभाजन की, राजधानी के विभाजन की मानी जाती है। फिर चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर अटैक की बात करते हैं।
1909 के अंदर जो रोष पैदा हुआ वो 11 तक बढ़ता चला गया। 11 में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार की घोषणा की। काफी सारे लोग इस बात से नाराज थे, और जब नाराज थे तो लोगों का गुस्सा फूटना यहाँ वाजिब था। तो जो लॉर्ड हार्डिंग था भारत के अंदर, जो वॉयसराय था अंग्रेजों का, लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया, और बम से हमला करने वाला कौन था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया, और ये हमला किया गया 23 दिसंबर 1912 को। सर्दी का मौसम था, और जैसे ही वो घर अपने वायसराय हाउस से बाहर निकले तो रास बिहारी बोस ने उनके ऊपर बम से हमला किया गया। इस हमले के अंदर हालांकि वो बच गए। 13 लोगों को गिरफ्तार यहाँ किया गया, जिसमें मास्टर अमीचंद जैसे लोग थे, दीनानाथ जैसे लोग थे, बाल मुकुंद जैसे महान हस्तियां थी, हनुमंत सहाय, बलराज, कई सारे लोग इसके अंदर शामिल थे, और बाद में इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। रास बिहारी बोस भेष बदल करके निकल गए, और वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के लीग इंडिया बनाई, फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जिसे सुभाष चंद्र बोस को बाद में डेडिकेट कर दिया गया। काफी सारा इन लोगों का रोल यहाँ रहा है। फिर चलते हैं गदर पार्टी। नाम ही बड़ा मजेदार है, गदर पार्टी। ऐसे संगठन दोस्तों जो भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो नेशनल लेवल पर, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे वो ओपनली काम कर रहे थे, चाहे वो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, इन लोगों का भारत की आजादी में एक बड़ा रोल जरूर है। अब देखते हैं ये क्या था गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में अगर सबसे पहले देखें इसकी डेट, गदर पार्टी की डेट 1 नवंबर 1913 है। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1913 को की गई। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। और इसके साथ एक व्यक्ति का नाम और आता है, जिनका नाम है सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना का भी जिक्र इसमें सबसे बड़ा मेन माना जाता है, सोहन सिंह भकना। हालांकि कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि सोहन सिंह भकना ने स्थापना की, लाला हरदयाल इसके पहले प्रथम मंत्री बने, लेकिन मुद्दा ये है कि दोनों ही लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। स्थापना की कहाँ की गई? यूएसए के अंदर। और यूएसए के अंदर, यूएसए में भी कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ये वही जगह है जहां सैकड़ों साल पहले भारत के किसानों को ले जाकर के अमेरिका ने बसाया था, अपने देश में एग्रीकल्चर को श्रेष्ठ बनाने के लिए। अब गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का उद्देश्य था चंदा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, और उस चंदे से भारतीय क्रांतिकारियों की हेल्प करना, यानी मदद करना। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे लोग वो थे, कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर रह रहे भारतीय और विदेशों के अंदर रह रहे अलग अलग देश के लोगों के अंदर यह दर्द था कि भारतीयों के साथ अंग्रेज गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आजादी मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे संगठन विदेशों से और भारत के सहानुभूति रखने वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे, और उस पैसे से भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते थे, चाहे वो उनको खाना देने की मदद हो, चाहे उन्हें हथियार देने की मदद हो, चाहे उनकी दूसरी पैसे से सामग्री लाने की मदद यहाँ पर की जाती थी। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर खास करके याद रखना है। तो यहाँ पर एक गदर नाम से अखबार भी निकाला गया था, गदर नाम का यहाँ गदर अखबार भी यहाँ 1 नवंबर को ही सबसे पहले शुरू किया गया था। पहला संस्करण उसका यहाँ प्रकाशित हुआ था, और ये अखबार यहाँ सबसे पहले उर्दू में निकाला गया था, ये भी आपको याद रखना है। उर्दू में उसका सबसे पहले निकाला गया था, उसके बाद अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा इसके अंदर सबसे पहले खोल दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 1914 की घटनाओं की। 1914 के अंदर भी कई सारी मेन मेन घटनाएं आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले घटना मिलेगी कामागाटा मारू की। प्रथम विश्व युद्ध तो है ही है, इससे पहले एक घटना और है, कामागाटा मारू। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू दोस्तों एक जहाज था। कामागाटा मारू एक जहाज था, और कामागाटा मारू जहाज के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? बाबा गुरदत्त सिंह। बाबा गुरदत्त सिंह, बाबा गुरदत्त सिंह का नाम कामागाटा मारू जहाज से जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है
कि एक समुद्री जहाज था जो 351 यात्रियों को लेकर के, 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली नदी के हुगली के किनारे पहुंचा, और बजबज नामक बंदरगाह पर जब यह रुका तो इसके अंदर बहुत से भारतीय क्रांतिकारियों की लाश थी, और देश के अंदर के काफी सारे लोगों को पहले मार दिया गया था। घायल लोग थे, मार दिए गए लोग थे, क्योंकि ये एक ऐसा कनाडा का जहाज था, कनाडा के लिए जापानी जहाज था, जिसको कनाडा भेजा गया था। वहां पर इसको नहीं उतरने दिया लोगों को, फिर लोग वापिस आए, कुछ भूख से मरे, कुछ लोगों को फिर बाद में हत्या कर दी गई। यानी बहुत दर्दनाक सी घटना कमागाटा मारू की मानी जाती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 ने कहा था कि आपको हर साल की एक एक घटना मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमेटिकली दो ग्रुप आप लोगों को यहाँ नजर आए। एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का, एक ग्रुप आपका यहाँ मित्र राष्ट्रों का रहा, दूसरा ग्रुप रहा आपका यहाँ धुरी राष्ट्रों का। इनको हम लोग मान सकते हैं एक्सिस पावर्स मान सकते हैं, और इन्हें आप लोग सेंट्रल पावर्स या फिर फ्रेंड्स कंट्रीज बोलते हैं। दोनों के अंदर जो ये वर्ल्ड वार हुआ, इसमें धुरी राष्ट्रों में आप बात देखेंगे तो सबसे आगे जर्मनी और इटली जैसे लोग रहे, इधर देखोगे तो सबसे आगे इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों का सबसे बड़ा रोल रहा। हालांकि ये बात भी खास है कि दोनों युद्धों को शुरू करने वाले धुरी राष्ट्र थे, और दोनों युद्धों में हारने वाले भी यही थे, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे फिर आपका बाद में सेकंड वाला हो। तो यहाँ अमेरिका यूएसए यहाँ पर न्यूट्रल था, निष्पक्ष था, न इसकी तरफ था न इसकी तरफ था। कहते हैं कि यूएसए के उस समय राष्ट्रपति ने एक बड़ा स्ट्रोंग डिसीजन लिया था, उन्होंने इसलिए युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो हिस्सा लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका सामान भी नहीं बिकेगा, क्योंकि हथियारों का बहुत बड़ा व्यापार यूएसए इस समय कर रहा था। अगर वो इधर से मदद लड़ेंगे तो यहाँ के लोग उनसे सामान नहीं खरीदेंगे और उनका खुद भी नुकसान होगा, और अगर इधर हिस्सा लिया तो फिर भी उनका सेम नुकसान होगा। तो उन्होंने निष्पक्ष रहे, और निष्पक्ष रहने का फायदा ये हुआ कि जो वर्ल्ड वार के समय यूएसए दुनिया के अंदर काफी पिछड़ा हुआ था, तो यहाँ तक आते आते जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो दुनिया के अंदर दूसरी तीसरी महाशक्ति के रूप में वो उभर चुका था। यह कहते हैं कि अमेरिका ने दोनों ग्रुपों को जमकर हथियार बेचे, और युद्ध के आखिरी समय तो वो हथियार ज्वेलरी और गोल्ड की चीजों के रास्ते सस्ते के बदले में बेचने लगे थे। यानी बहुत बड़ी महाशक्ति यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ही बना। अगर यहाँ भारत की बात करते हैं तो भारत ने यहाँ हिस्सा लिया इंग्लैंड की तरफ से, या फिर कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के अंदर ही माना जाता है। भारत ने यहाँ पर इनकी तरफ से हिस्सा लिया, और यहीं पर भारत ने जब हिस्सा लिया तो महात्मा गांधी ने भी भारतीयों को प्रेरित किया था, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें टाइटल वगैरह भी दिए हैं। फिर उसके बाद से बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट, जिसे आप लोग हिंदी में होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल लीग मूवमेंट जिसे कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। इस मूवमेंट को बड़े लेवल पर चलाने की जिम्मेदारी थी दो हस्तियों के ऊपर। नंबर एक तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी, जिस जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बनी, क्योंकि वे पहली महिला अध्यक्ष थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इंडियन की बात करेंगे तो बाद में सरोजिनी नायडू का जिक्र आएगा, लेकिन अगर कोई पहली महिला भारतीय कांग्रेस की बनी है अध्यक्ष तो एनी बेसेंट का ही जिक्र सबसे पहले आता है। तिलक और एनी बेसेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाना था। 1915 में मूवमेंट चला। इस मूवमेंट का उद्देश्य था कि देश के क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करना, और इसको तेज करने के लिए उन लोगों ने कोशिश की कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच में कॉम्बिनेशन बनाया जाए। दोनों ही लोगों ने पूरे देश में रैलियां की, जल से जुलूस किए, अलग अलग पार्टियों के लोगों से मिले, और सबसे मिलकर के इन्होंने 1916 में लखनऊ के अंदर गरम दल, नरम दल और कांग्रेस की मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई गई तो गरम दल, जिसको कांग्रेस से 1907 में निकाल दिया गया था, इसे कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया गया, और कांग्रेस का विभाजन यहाँ पर समाप्त हो गया।
और मुस्लिम लीग ने बाहर से समर्थन किया कि हम लोग भी मदद करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हम सारे एक साथ लड़ेंगे ताकि अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें, और उसी समझौते को लखनऊ समझौते का नाम दिया गया। गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, इन तीनों के बीच जो समझौता हुआ, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसने लखनऊ समझौता कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया तिलक और बेसेंट के द्वारा 15 में, और 16 में लखनऊ के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसी लखनऊ पैक्ट के तहत गरम दल की कांग्रेस के अंदर वापसी हुई, यानी गरम दल कांग्रेस में शामिल हुआ, कांग्रेस में शामिल हुआ और मुस्लिम लीग ने बाहर से समर्थन किया। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर चलते हैं गांधी जी के बारे में। दोस्तों आपको ध्यान है 9 जनवरी की डेट, 9 जनवरी को आज भी हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। एनआरआई डे 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसकी एक वजह है, और वो सबसे खास वजह ये है कि एनआरआई डे 9 जनवरी को जो मनाया जाता है वो 1915 की याद में मनाया जाता है। कहते हैं कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और जब साउथ अफ्रीका से वो भारत आए तो इसी दिन की याद में देश के अंदर एनआरआई डे आज भी मनाया जाता है। सबसे पहले जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए, तो गांधी जी जब भारत में पहुंचे तो उन्हें 2-3 बड़े काम उनके नाम से यहाँ हुए। सबसे पहले अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद का उपाधि दी। और दूसरा, जब गांधी जी भारत आए तो वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, और वर्ल्ड वार में भारतीयों को अंग्रेजों की मदद करने के लिए गांधी जी ने नारा दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो और इंग्लैंड को जिताओ, जिससे अंग्रेज प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने गांधी जी को यहाँ भी बहुत ज्यादा सम्मानित करने की बातें कही थी। तो यहाँ भी 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। केसरी हिंद का टाइटल जो गांधी जी को अंग्रेजों ने यहाँ 1916 के अंदर, 15 के 16 के डेट के अंदर, आमतौर पर इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज रहती है, तो एक तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे केसरी हिंद का आपका 1916 का आमतौर पर रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ 1916 में जो केसरी हिंद का टाइटल दिया गया, तो ये टाइटल भी आप लोगों के लिए काफी मायने रखता है। और यहाँ पर गांधी जी को अंग्रेजों ने बहादुर सैनिक का नाम से भी संबोधित किया था कि आप लोग एक बहादुर सैनिक हो, क्योंकि आपने भारतीयों को प्रोत्साहित किया है सेना में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भर्ती होने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं साबरमती आश्रम की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गांधी जी का भारत में मेन आश्रम, गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 के अंदर। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक की थी। यहां भी काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि भारत के अंदर गांधी जी का पहला मूवमेंट, सभी लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह की कितनी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अगर मेनली देखते हैं चंपारण सत्याग्रह को, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ वो गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट तो था ही था, गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट मोमेंट तो था ही था, पहला सफल मोमेंट भी था, फर्स्ट भी और सक्सेस भी, ये दोनों विशेषता थी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ किया, तो फिर तो आपका आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अगर क्वेश्चन देशों का आता है तो, और अगर भारत का आता है तो ऑटोमेटिकली आपका चंपारण रहेगा। चंपारण कहाँ पर, बिहार के अंदर, चंपारण बिहार में था, और बिहार में भी किन के लिए, नील किसानों के लिए, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, या नील जिसको इंडिगो फार्मर्स भी, इंग्लिश वाले बच्चे से इंडिगो फार्मर्स कहते हैं, इंडिगो फार्मर्स के लिए हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से, यहाँ पर एक नीति थी तीन गठिया नीति अंग्रेजों की एक नीति थी
तीन गठिया नीति, और इस तीन गठिया नीति में क्या था, जितनी भी फसल होती थी उस फसल के 20 गट्ठे बनाए जाते थे, यानी 20 टुकड़े कर लिए जाते थे, और इन 20 टुकड़ों के अंदर देखते हो इस तरीके से 20 हिस्से बांट लिए जाते थे, और 20 हिस्सों में से 3 हिस्से किसान को दिए जाते थे और 17 हिस्से अंग्रेज ले लेते थे। जो 3 हिस्से दिए जाते थे इसी आधार पर इसे तीन गठिया नीति कहते थे, जो बहुत शोषण था। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, किसान हमारे, देश हमारा, और हमें मिले 3 हिस्से, अंग्रेज ले जाए 17, ये बहुत बड़ा दुखदाई था। तो इसीलिए उस समय बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए इनवाइट किया। यहां याद रखना, चंपारण आंदोलन के लिए जब इनवाइट किया तो किसने, ये क्वेश्चन आता है कि किसने इनवाइट किया, राजकुमार शुक्ला ने उन्हें इनवाइट किया। गांधी जी ने आंदोलन किया, आंदोलन सफल भी हुआ, और आंदोलन सफल इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी ने यहाँ बड़ा स्ट्रोंग मैसेज अंग्रेजों को दिया था। अंग्रेजों को लगा कि वर्ल्ड वार चला हुआ है, गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत आंदोलन करके आए हैं, वो हार नहीं मानेंगे, इसलिए हमें झुक जाना चाहिए। भारतीय जो जितने भी यहाँ किसान थे चंपारण के, उनके आगे से टैक्सों को माफ कर दिया गया, और 1 साल का जो भी उनसे टैक्स लिया गया था वो रिटर्न कर दिया गया। ये गांधी जी की बहुत बड़ी जीत थी, और भारत की भी बहुत बड़ी यहाँ पर जीत थी। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कहा जाता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी जब यहाँ गए चंपारण आंदोलन में तो किसके घर पर रखे थे, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पर वो रुके थे, जो डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति होने का गौरव प्रदान हुआ, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। फिर आगे चलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की बात अगर करते हैं दोस्तों, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को अगस्त घोषणा भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के अंदर भारत आया, और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंदर कुछ बड़ी अजीबोगरीब से रूल्स भी थे। हालांकि इन रूल्स को अंग्रेजों ने काफी हद तक बाद में नरम भी कर दिया था, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को किसके तर्ज पर लाया गया था, 1909 में जो अंग्रेजों ने मार्लेमेंटो लाया था उसके ठीक 10 साल के बाद आपके देश में एक नया रूल आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के रूप में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ नाम याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पहले देखा आपने मार्ले मिंटो, तो यहाँ चेम्सफोर्ड जो है वो भारत का वायसराय था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत का, चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। इन दोनों के नाम पर लाए गए थे। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1917 में भारत का वायसराय कौन था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से वायसराय को निकाल लेना। अगर 20 में पूछे, 17 में पूछे, 18 में पूछे, 19 में पूछे, 20 में पूछे, तो यहाँ याद रखना। वैसे ही जब 1909 के अंदर हम मार्ले मिंटो पढ़ते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि 9 में भारत का वायसराय कौन था, 8 में कौन था, 7 में कौन था, तो मार्ले मिंटो से मिंटो को निकाल लेना। ये आप लोगों के लिए आसान ट्रिक हो जाएगी, तो यहाँ भी आपको इसका फायदा रहेगा। अच्छा, इसी के साथ अगर कुछ और क्वेश्चनों की बात करते हैं तो रोल टैक्स, रोल टैक्स इसे क्या कहा गया, काला कानून। रोल टैक्स को क्या कहा गया, काला कानून कहा गया, और नाम दिए गए बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ये नाम इन कानूनों को जिसको दिए गए। ये रोल टैक्ट था क्या, रोल टैक्ट भारत के अंदर क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अंग्रेज लेकर आए थे। इसकी कई बार डेट पूछ लेते हैं, 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919 को अंग्रेज भारत में रोल टैक्ट लेके आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहते थे, लेकिन किसी व्यक्ति को बिना किसी कसूर के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अंग्रेजों ने प्लान बना लिया था कि क्रांतिकारियों को जेलों में ठूसना है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन हो, चाहे 1917 का हो, चाहे 1918 का हो, चाहे 1919 का हो, चाहे 1920 का हो, ये कंटिन्यू जो आंदोलन थे, जैसे आप देख सकते हो चंपारण सत्याग्रह देख सकते हो, आपका मिल मजदूर के आंदोलन देख सकते हो, खेड़ा आंदोलन देख सकते हो, इसी के साथ साथ आप लोग दूसरे कई सारे आंदोलन, खिलाफत आगे चला, असहयोग चला, इसके अंग्रेज काफी घबराए हुए थे और वो चाहते थे कि क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर देना चाहिए। इसमें क्या था,
अगर बिना किसी कसूर की आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेज ने एक नया कानून बनाया रोल टैप, जिसमें कहा गया कि सरकार या पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को शक के आधार पर यानी ऑन द बेस ऑफ डाउट आप अरेस्ट कर सकते हैं, और शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो शक के दायरे में तो बहुत कुछ आ जाता है, तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारियों को इसके बेस पर गिरफ्तार कर सकते हो। पूरा देश नाराज था, कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो चाहे फिर आम जनता हो, हर किसी के मन में गुस्सा फूट पड़ा था और हर कोई चाहता था कि अंग्रेजों को इसके लिए सबक सिखानी चाहिए। पूरे देश में गुस्सा हद से ज्यादा था और सारे के सारे लोग यहाँ पर अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए आंदोलन करने पर तुले हुए थे। और उसी समय अगर आप देखते हो तो देश के अंदर अलग अलग जगह आंदोलन भी हुए, और गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को भारत के अंदर देशव्यापी हड़ताल भी इस समय बुलाई गई थी। लेकिन और इसी समय आप देखोगे कि अंग्रेजों के इस आंदोलन के खिलाफत में भारत के कई सारे नेताओं में, जैसे दो किसान नेता थे जिनमें आप लोग डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन जी का नाम आता है, उनको गिरफ्तार किया गया, आंदोलन किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यहाँ भी कई सारी घटनाएं आगे जाकर के हुई। तो इसी के दायरे में हम देखते हैं जलियांवाला बाग जो मैसगेर था या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये भी इसी तर्ज में था। क्योंकि दोस्तों जब रोल टैक्ट हुआ तो उसके खिलाफ दो किसान नेता पंजाब के अंदर, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, दूसरा था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरा नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी थे। ये दोनों किसान नेता थे, पंजाब में आंदोलन किया, जुलूस निकाला, दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया तो आम जनता अपने नेताओं को, प्रिय नेताओं को छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश करने लगी, और फिर फैसला हुआ कि बैठ करके इकट्ठा होकर बात की जाए, और उसके लिए एक जगह मुकरर की गई, जलियावाला बाग। जलियावाला बाग दोस्तों अमृतसर के अंदर है, ज्यादातर बच्चे इसे जानते हैं, बहुत से लोग इसे देख चुके हैं। हमारे देश के अंदर अगर शहीदों की धरती कोई देखनी है तो या जलियावाला बाग है और या फिर अंडमान निकोबार है, जहां जमीन का कोई ऐसा कतरा नहीं होगा जिस पर भारतीय क्रांतिकारियों का खून जिसमें ना मिला हो, ब्लड जिसमें उबलता हुआ ना मिला हो। दुनिया में कहीं पर घूम लीजिए, देश में कहीं भी आप तीर्थ पे चले जाइए, यात्रा पे चले जाइए, दरगाह पे चले जाइए, मंदिर पे चले जाइए, अगर आप लोगों को सच्ची देशभक्ति का कोई सबूत देखना है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंडमान की जगह आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने साथी हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग को देखा है और जो वहां पर सुकून से कुछ समय बैठ करके आए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हम करते हैं तो सबसे पहले तो ये जलियांवाला नाम इसका क्यों पड़ा? जलियांवाला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक जल्ली नाम का जमींदार था। जल्ली नामक जमींदार की ये प्रॉपर्टी थी, जल्ली नामक जमींदार की प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से इसे जलियांवाला बाग कहा गया। जैसे हमारे यहाँ पर होता है, मियां राम ने कॉलोनी काट दी, मियां वाली कॉलोनी हो गया, होशियार सिंह ने कॉलोनी काट दी, होशियार कॉलोनी हो गया, तो इस तरीके से जलियांवाला बाग उसका नाम था। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे क्रांतिकारी लोग इकट्ठा होने थे, लेकिन उसी समय अंग्रेजों का एक मुखबिर था, जासूस था उसी समय पंजाब का, जिसका नाम था हंसराज। हंसराज ने जब लोगों को यहाँ आते हुए देखा तो उसने जनरल डायर को सूचना दी कि साहब जलियांवाला बाग के अंदर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो मुखबिर था, वो जासूस था, तो उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसने जनरल डायर को कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं जिनके हाथ में हथियार हैं, बंदूकें हैं, लाठियां हैं, डंडे हैं, और जो अंग्रेजी पुलिस के ऊपर कभी भी सरकार पर हमला कर सकते हैं। जब जनरल डायर को पता चला तो वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया अपनी पूरी सेना की टुकड़ी लेकर के, पुलिस की टुकड़ी लेकर के जिसके हाथियों में मशीन गन्स थी, और उन्होंने जलियांवाला बाग के गेट के ऊपर खड़ा होकर के गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने इस बाग को देखा है, आप लोगों को पता होगा ये पूरे का पूरा जो बाग है, पूरे का पूरा बाग के अंदर सिर्फ एक ही गेट है, सिर्फ एक ही गेट है और कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो दीवारें नहीं बल्कि मकानों की बिल्डिंगें हैं, दो दो तीन तीन मंजिला चारों तरफ मकान है, यहाँ से किसी का निकलना पॉसिबल नहीं है। एक ही गेट से निकलना और अंदर जाना होता है, जहां से लोग अंदर गए थे वहीं पर पुलिस खड़ी हो गई
और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहते कि इसके अंदर एक कुआ है, अभी उसके अंदर लोगों ने छलांग लगाना शुरू कर दिया। लोगों को लगता था कि गोली का शिकार होने से इसमें कूदना अच्छा है, जब बंद हो जाएगी गोलीबारी तो कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन हुआ यही कि डर के मारे हर व्यक्ति इसमें कूदने लगा, और जिसकी वजह से कुआ कहते हैं कि डेड बॉडीज से ऊपर तक भर चुका था। 120 से ज्यादा डेड बॉडीज तो इस कुएं से बाद में निकाली गई थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोग इसमें मारे गए थे और 1000 व्यक्ति से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। सच्चाई ये है कि इससे कई गुना लोग यहाँ मारे भी गए और घायल भी हुए थे। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा नरसंहार था, इससे बड़ा नरसंहार भारत के अंदर कहीं और एक साथ नहीं हुआ। ये बहुत दर्द का विषय था दुनिया के अंदर, चाहे आप चाइना के तियानमेन चौक पर विद्यार्थियों का रोड रोलर से कुचलना हो, या फिर भारत के अंदर जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हो, ये मानवता के ऊपर काले धब्बे के रूप में है। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शोक मनाया गया, लेकिन जो शहीद हो चुके लोग थे उनका दर्द भूलने लायक नहीं था। अंग्रेजी सरकार ने आनन फानन में 9 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। इसको जिम्मेदारी दी गई कि इसकी जांच करेगी, लेकिन जांच कुछ नहीं होना था, यहाँ पर सिर्फ लिपापोती होने वाली बात थी। हालांकि इसमें जो हंटर कमेटी थी, इसमें 8 लोग थे, 5 अंग्रेज थे और 3 इसके अंदर भारतीय थे, जैसे सर चिमन लाल सितलवाड़ जी थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण सिंह थे। लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। बाद में जाकर के कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत इस पे लिपापोती करके इस मामले को एक तरफ कर दिया गया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। यहाँ भी क्वेश्चन आपको याद रख सकता है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से जो आयोग बना उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी इसके अंदर थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हंटर कमेटी, ये मैंने आपको यहाँ भी बताया कि हंटर कमेटी की स्थापना की गई। हंटर कमेटी ने बाद में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी कुछ खास फैसला नहीं हो पाया। हालांकि उद्धम सिंह ने जनरल डायर के जगह जो एक अलग व्यक्ति था माइकल ओ डायर, उसको 1940 में सजा दी। जनरल डायर की बीमारी की वजह से बीच में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का था, भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था। इसमें अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अबुल कलाम वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन का नेता अबुल कलाम जी को बनाया गया था, और इसकी आंदोलन के जो मेन फाउंडर व्यक्ति थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिन्हें अली ब्रदर्स कहा गया। आंदोलन की नींव कहाँ थी? आंदोलन की नींव आप देख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर थी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो एक तरफ आपको पता है मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में एक कंट्री था इंग्लैंड, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी और इटली के साथ एक कंट्री था तुर्की, एक कंट्री था यहां पर तुर्की, जिसे हम लोग तुर्की कहते हैं। अब यहां भारत किसके साथ था? इंग्लैंड के साथ। भारत किसकी तरफ से लड़ रहा था? इंग्लैंड की तरफ से। और तुर्की मित्र राष्ट्रों की बजाय धुरी राष्ट्रों की तरफ था। अब तुर्की मुसलमानों का देश था, भारतीय जो था यहाँ पे क्या था कि मुसलमानों का जो खलीफा था, तुर्की के राजा मुसलमानों के पास मुसलमानों के खलीफा का पद इस समय था, और खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का धर्म गुरु था। अब भारतीय लोग इंग्लैंड के साथ थे, लेकिन जो भारतीय मुस्लिम थे वो उलझन थे, वो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए वो इंडिया की मदद करना चाहते थे, लेकिन इमोशनली वो खलीफा की वजह से तुर्की के साथ थे। तो जब भारतीय मुसलमान उलझन में थे तो अंग्रेजों ने पूछा कि आप लोगों को क्या समस्या है हमारी मदद करने में, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा कि तुर्की का खलीफा हमारा धर्म गुरु है, और अगर हम आपसे एक समझौता करना चाहते हैं, और अंग्रेजों ने कहा कि बताइए, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा कि अगर आप लोग जीत जाओ तो तुर्की के खलीफा को आप लोग मारोगे नहीं, ये एक समझौता हुआ था। अंग्रेजों ने पहले तो कर दिया हाँ ठीक है हमको, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाद में जब इंग्लैंड जीता तो उन्होंने सबसे पहले तुर्की के खलीफा को गिरफ्तार किया और उसे मृत्युदंड दे दिया।
जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज थे, लेकिन दुनिया वाले चाहे कुछ भी करते, भारतीय मुसलमान सिर्फ आंदोलन ही कर सकते थे। उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन बहुत लंबा चला, जिसमें ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किस हिंदू ने इसमें हिस्सा लिया, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को शुरू किया गया। चाहे रोल्ट एक्ट हो, चाहे बलियावाला बाघ हत्याकांड हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, इनके उत्तर में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में महिलाओं के शराब के दुकानों पे धरने दिए गए, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, नौकरियों को छोड़ा गया। नौकरी कौन सी थी इसमें, सरकारी थी, सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों के द्वारा छोड़ दिया गया। यहाँ पर सारे के सारे सरकार से असहयोग के काम थे, लेकिन इसी समय एक खास बात और थी, और वो खास बात ये थी कि जो यहाँ पर मना किया जा रहा था, यहाँ पर जो भारतीय ये कदम उठा रहे थे, जब भारतीय सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे, बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे थे, तो उसी समय भारतीय जो देशभक्त थे, जो पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने यह मैनेजमेंट भी कर रखा था कि अगर सरकारी नौकरियां छोड़ेंगे तो उन्हें प्राइवेट नौकरियां हम देंगे, अगर बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ेंगे तो उनके लिए प्राइवेट स्कूल हम खोलेंगे, ताकि आंदोलन लंबा चले तो बच्चों पे, स्कूलों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और लोगों के घर के ऊपर नौकरी से गुजारा जो होता था उस पर कोई समस्या ना आए। तो ये सारे काम किए गए। यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार का भी मूवमेंट दोबारा चला, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। यहीं पर गांधी जी ने खादी की शुरुआत की और यहीं पर गांधी जी ने चरखे की कताई, चरखा कातना शुरू किया, सूत के कपड़े पहनना। यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट एक साथ इस एक आंदोलन के अंदर मिलते हुए नजर आपको आए। तो यहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, एन ए बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, ये लोग वो थे जो यहाँ पर इस मूवमेंट से सहमत नहीं थे। ध्यान रखना कौन कौन लोग सहमत नहीं थे, जिन्ना नहीं था, एन ए बेसेंट भी सहमत नहीं थे और विपिन चंद्र पाल भी सहमत नहीं थे, और इन्होंने इस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। अच्छा, अब हुआ क्या, जो सबसे बड़ी घटना थी, मूवमेंट सही चल रहा था, जो सबसे बड़ी घटना थी वो आप लोगों के लिए यहाँ चोरा चोरी की घटना थी। चोरा चोरी की घटना, ये इस आंदोलन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। डेट है 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी एक पुलिस चौकी थी यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर, आज वर्तमान में भी गोरखपुर जिले के अंदर है ये। यहाँ पर कुछ पुलिस, 22 पुलिस वालों की संख्या टोटली बताई जाती है, 21 सिपाही थे और एक इनका दरोगा या थानेदार माना जाता है। ये लोग पुलिस चौकी में सोए हुए थे, रात को पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, जिसमें 22 के 22 लोग जलकर मर गए। गांधी जी को सूचना दी गई कि आप लोगों के भीड़ के क्रांतिकारियों ने इन्हें जलाया है, हालांकि सच्चाई कुछ और ही मानी गई है, लेकिन फिर भी गांधी जी इमोशनल हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कर दी। ये एक बहुत बड़ी स्टेप था गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने इमोशनल होकर जल्दबाजी में फैसला किया गया। हालांकि बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इस चोरा चोरी के घर पुलिस स्टेशन को जलाने में भी अंग्रेजों की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि आमतौर पर जब उन्हें लगा अंग्रेजों को कि असहयोग आंदोलन किसी भी कीमत के ऊपर असफल नहीं हो सकता, तो फिर अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चली जिसमें गांधी जी भी फंस गए और आंदोलन को रद्द यहाँ करवा दिया गया। इस आंदोलन के रद्द होने से कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने फिर पार्टी को छोड़ दिया, एक इसमें मोतीलाल नेहरू थे और एक इसमें सी आर दास थे, जो इस बात से नाराज थे। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस से पूछ के किया था और बंद उन्होंने अकेले कैसे कर दिया, अगर वो सबसे सलाह लेते तो शायद बात का हल निकल जाता और आंदोलन को बंद करने की नौबत नहीं आती। ये कहा जाता है कि आंदोलन कुछ समय और चल जाता तो शायद भारत को आजादी यहाँ मिल जाती, और यहाँ अगर भारत को आजादी मिलती तो ध्यान रहे बात ये नहीं है
कि देश को आजादी 20 22 25 साल पहले मिल जाती, बल्कि मेन बात यह है कि यहाँ भारत को आजादी मिलती तो भारत को आजादी मिलती, यानी पूरा देश इकट्ठा आजाद होता, देश के यहाँ टुकड़े नहीं होते, जो देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता। उसके बाद हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना एम मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन दोनों लोगों ने की थी। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, इन दोनों ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और जब दोनों ने ही यहाँ पर, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जब पार्टी की स्थापना की, तो इससे पहले वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन बंद करने से वो नाराज थे, और उन्होंने एक नई पार्टी का आगाज किया स्वराज पार्टी के रूप में। जब स्वराज पार्टी की स्थापना, कई बार क्वेश्चन आता है कहाँ पर की, स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के अंदर की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने इलाहाबाद में की थी, और इलाहाबाद के अंदर ही उन्होंने इस पार्टी का उस समय ऑफिस, और मतलब आमतौर पर उसका हेड ऑफिस भी यहाँ पर बनाया था। उसके बाद महात्मा गांधी चेयरमैन बने कांग्रेस के। महात्मा गांधी कांग्रेस के 1924 में चेयरमैन बने। कांग्रेस का जो यहाँ जो अधिवेशन था वो बेलगांव के अंदर था। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में था, और बेलगांव दोस्तों कर्नाटक के अंदर है। गांधी जी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने 1924 के बेलगांव सम्मेलन के अंदर, जो कर्नाटक बेलगांव में हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, और 1924 के अंदर इसकी स्थापना करने वाला था सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन यहाँ याद रखना, कई बार हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सान्याल ने बनाया, और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन 1928 ईस्वी के अंदर भगत सिंह ने बनाया। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। पिछले वाले में क्या है, सिर्फ एक मेन एक एक थोड़ी सी अलग रहेगी। यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, और यहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सोशलिस्ट वर्ड है, ये याद रखना। यहाँ तीन शब्द थे, 1924 में बना, जब 1928 में बना तो सोशलिस्ट वर्ड और जोड़ दिया गया। और इससे पहले आपको एक चीज और याद रखनी है, ये तो इसमें रहेगा आपको, पहले तीन शब्द थे 24 में, 28 में सोशलिस्ट और जोड़ दिया गया, और पहले वाला बनाने वाला सचिंद्र सान्याल था, और बाद में भगत सिंह था, क्योंकि 24 के में जब सचिंद्र सान्याल ने इसे बनाया, तो 25 में तो सचिंद्र सान्याल को जेल ही हो गई थी काकोरी कांड में, तो उसके बाद तो वो संगठन नहीं बना सकता था। तो यहाँ आपका भगत सिंह का नाम रहेगा। भगत सिंह को सोशलिज्म का फादर के रूप में भी काफी लोग मानते हैं। उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, यानी काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 का काकोरी षड्यंत्र केस काफी फेमस है दोस्तों। बहुत से लोग इसको एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में क्रांतिकारियों में मानते हैं। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना चोरी कर लिया था। ट्रेन कहाँ जानी थी, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी। यहां पर रास्ते में एक स्टेशन था काकोरी। काकोरी स्टेशन पर इस ट्रेन को लूटा गया, सरकारी विभाग का, रेलवे का खजाना यहां पर लूटा गया। इसमें जो व्यक्तियों के नाम आते हैं, सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, और आपका सचिंद्र सान्याल। ये कुछ मेन नाम है, हालांकि टोटल इसमें 10 व्यक्ति बताए गए थे। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल, हालांकि अंग्रेजों ने इन पांच में से, देखा जाए तो इन चार लोगों को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी, और जो सचिंद्र सान्याल था इसे यहाँ पर उम्र कैद दी गई थी। कुछ लोग ये पूछ लेते हैं क्लासरूम में, जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पूछ लेते हैं, सर इसे उम्र कैद, भाई आप इनके साथ थे या अंग्रेजों के साथ हो? हालांकि वो एक अलग वजह है। हालांकि इन चार लोगों को, अगर राम प्रसाद बिस्मिल पे क्वेश्चन देखेंगे तो काकोरी जो कांड है ना, वो मास्टरमाइंड किसका कौन था, इसे जो प्लान था, ये राम प्रसाद बिस्मिल का था।
और अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई। ये पहला मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे अंग्रेजों ने यहाँ फांसी दी, और सतेंद्र सान्याल को यहाँ उम्र कैद की इसमें सजा हुई थी। इसमें टोटल 10 व्यक्ति टोटल माने गए थे। हालांकि इसमें अगर पूछा जाए तो इन लोगों को जो फांसी की प्रक्रिया थी उसको पूरा जो किया गया, इन लोगों को फांसी दी गई दिसंबर 1927 के अंदर जाकर के, ठीक है। और यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हुए फांसी पर लटके थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, यानी अंग्रेजी सरकार का जो पतन है उसकी मैं इच्छा करता हूँ वो जल्दी ही समाप्त हो जाए। उसके बाद बात करते हैं साइमन कमीशन की। दोस्तों साइमन कमीशन बना 1927 में था। अगर ये क्वेश्चन हो कि साइमन कमीशन कब बना या कब पास हुआ, फिर आपका आंसर आएगा 1927। और अगर ये क्वेश्चन हो साइमन कमीशन कब आया, फिर आपका आंसर आएगा 3 फरवरी 1928। इसमें कई सारे नाम हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन को और क्या कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन, टोटल लोग कितने थे, 7 थे। सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। इसकी वजह से क्या कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। किस लिए आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यहां बनता है, साइमन कमीशन क्यों आया। 1919 के सुधारों की, 1919 के सुधारों की जांच करने आया था। 1919 में कौन से सुधार आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की। क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आए थे 1919 में तो ये कहा था कि 10 साल बाद दूसरे सुधार आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जांच करवाएंगे, और जांच करवाएंगे उसमें ये पता करेंगे कि अगर ये ठीक हुए तो फिर इन्हीं को आगे ले आएंगे और नहीं तो बदल देंगे। 1919 में जो आया उसकी 8 साल के बाद जांच होनी थी, फिर उसके आधार पर नए आना था। भारतीय लोग चाहते थे कि कुछ हमारे लोग भी इन साथ में हो ताकि हम सच्चाई बता सकें, अगर अंग्रेज होंगे तो अपनी मनमानी करेंगे। लेकिन वो सातों अंग्रेज थे जिसकी वजह से व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। 1919 के सुधारों की जांच करने आया था। इसके विरोध में नारे लगे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन नारे लगे। 7 लोगों में इसका जो चेयरमैन था वो था सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था साइमन कमीशन। विरोध हुआ लाहौर के अंदर, विरोध किया लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने विरोध किया। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, और लाठी चार्ज का आदेश यहाँ सांडर्स ने दिया था। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, काफी सारे लोग घायल हुए। लाला लाजपत राय को ज्यादा लाठियां लगी। कुछ समय के बाद लाला जी घायल होकर के बहुत ज्यादा पीड़ित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। मरते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के कफन में कील का काम करेगी, या उनके ताबूत में कील का काम करेगी, जो भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक जोश की निशानी थी। और भारतीय क्रांतिकारियों ने जोश पकड़ा, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज पुलिस कप्तान सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और ये घटना कब हुई, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह एंड कंपनी ने लाहौर के अंदर रेलवे स्टेशन पर सांडर्स को गोली मारी, जिससे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। इसी मामले में उन्हें बाद में फिर फांसी की सजा भी हुई। बहुत कम बच्चे इस घटना को जानते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आप, हालांकि नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे पहले एक घटना और है जिसके बारे में आपको याद दिला दूं मैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल के दौरान असेंबली में बम फेंका था। ये भी आप लोगों को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था, जो भारत के अंदर बहुत बड़ी इंटरनेशनल घटना के रूप में दुनिया में बाद में उभरी। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे फेंके, उनमें लिखा था उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट का 14 लाइनर प्रोग्राम क्या है, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 लाइनर प्रोग्राम आमतौर पर जब साइमन कमीशन के अंदर ये हुआ
साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ, लाला जी की मृत्यु हुई, भगत सिंह एंड कंपनी ने सांडर्स की हत्या कर दी, उसके बाद अंग्रेज पूछने लगे भारतीयों से आपको क्या चाहिए। भारतीयों ने कहा कि हमें ऐसा संविधान चाहिए, हमारे देश में ऐसे कानून हो जो हमसे पूछ के बनाए जाएं, हमारी उसमें राय हो। अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी कि अगर आप लोग अपना संविधान बना दोगे तो आप लोगों के संविधान को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आप बना नहीं सकते। हालांकि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि यहाँ पर अंग्रेजी वायसराय ने भारतीयों को चुनौती दे दी थी कि अगर आप लोग संविधान बना दोगे एक मनपसंद, अपने सभी लोगों के मनपसंद, तो आप लोगों को आजादी ही दे देंगे, संविधान लागू करने की क्या बात करते हो। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका था। मौका ये भी था कि जो अंग्रेज क्रांति में आजादी देने को तैयार नहीं थे, जो असहयोग आंदोलन से आजादी नहीं दे रहे थे, वो इस संविधान बनाने से क्यों देंगे। समझदार लोग इस चीज को समझते थे, लेकिन भारतीयों के मौका दिया गया कि आप अपना संविधान बनाइए। अब जब ये मौका दिया गया तो सारे के सारे लोग इस काम में लगे हुए थे। कांग्रेस एंड कंपनी और कुछ दलों ने मिलकर के एक संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, और ये संविधान मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंग्रेजों को सौंपा गया। लेकिन यहाँ कंडीशन अंग्रेजों ने यह लगाई थी कि ऐसा संविधान बनाना जो भारत की सारी पार्टियों को मंजूर हो, और भारत कोशिश भी यही कर रहा था। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को सौंपा गया तो कुछ ही समय के बाद मोहम्मद अली जिन्ना अलग से चला गया अंग्रेजों के पास कि साहब हमारी अंग्रेजों की 14 सूत्रीय मांगे अलग हैं। तब अंग्रेजों ने कहा था कि देख लिया भारतीयों, आप मांगते हो आजादी और आप सारे मिलकर एक संविधान नहीं बना सकते, आप लोगों ने ये बनाया और जिन्ना ने मुसलमानों का ये बना दिया। ये भारतीयों की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी। यहां से और ज्यादा खाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं में बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 के अंदर हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी कमान संभाली थी। बारदोली की अगर बात करेंगे तो बारदोली आपके गुजरात के अंदर है, और गुजरात के अंदर बारदोली के क्षेत्र के लोगों के ऊपर अंग्रेजों का टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। किसान टैक्स देने में मजबूर थे, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो किसानों ने कोशिश की कि उनका टैक्स कैसे छूटे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। उस हालांकि उस समय तक इन्हें सरदार नहीं कहा जाता था, वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। यही इन्हें सरदार का टाइटल इसी मोमेंट से मिला था। बारदोली का जो एरिया है वो जंगलों के बीच का एरिया था, बीचों बीच एरिया था और चारों तरफ जंगल का क्षेत्र था। और जैसे ही यहाँ पर जो चारों तरफ का जो जंगल का एरिया था, इसके ऊपर वृक्षों के ऊपर लोगों के बैठने की लकड़ियां बांधकर जगह कर दी गई, ढोल नगाड़े रख दिए गए, और यहाँ पर जब भी कोई अंग्रेजों की गाड़ी या अंग्रेजों के अफसर इन लोगों से टैक्स वसूल करने आते थे तो पेड़ों के ऊपर बैठे लोग ढोलक नगाड़ों से पीटना शुरू कर देते थे, आवाजें शुरू कर देते थे, जिससे ये लोग अपने सामान को लेकर के, पशुओं को, बच्चों को लेकर के, घरों को लोक करके जंगलों में घुस जाते थे। और जब अंग्रेज वापिस जाते थे तो वो लोग ढोलक से इनको सिग्नल दे देते थे, ये अपने घरों में आ जाते थे। ये कहते थे कि ये सिलसिला 3-4 महीनों तक चलता रहा। जब अंग्रेज अफसर जाते तो पूरा गांव खाली मिलता, और जब वो बाद में चले जाते तो बाद में उनको खबरें मिलती कि सब कुछ वही है। तो इससे ये बड़ा वेल मैनेज्ड और बड़ा प्री प्लान्ड मोमेंट था, जिससे अंग्रेजों ने बाद में घुटने टेक दिए, इन लोगों का टैक्स माफ कर दिया और एक समझौता हो गया। ये सरदार, ये जो मोमेंट था, ये वल्लभ भाई पटेल ने मैनेज किया था। इसलिए बारदोली की महिलाओं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया। यहाँ सरदार नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए यूज होता है, लीडर के लिए यूज होता है। कई बार क्वेश्चन आता है बारदोली की महिलाओं ने दिया, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं किसके हाथों दिलाया गया? गांधी जी के हाथों दिलाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए जरूर रहेगा। उसके बाद है, ये मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी, और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी, जिसे ट्रेड डिस्प्यूट बिल भी था यहाँ और पब्लिक सेफ्टी बिल भी था। यहाँ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, खाली बेंचों पर फेंका गया, पर्चे फेंके जिसमें कहा गया था हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरी और गूंगी सरकार के कान और मुंह को खोलना हमारा उद्देश्य है।
फिर है फर्स्ट डोमेस्टिक ट्राइकलर, पहला राष्ट्रीय यानी इसको हम लोग स्वदेशी कह सकते हैं, स्वदेशी कह सकते हैं, गृहित कह सकते हैं, पहला गृहित तिरंगा, पहला गृहित या स्वदेशी तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे होगा तो कहाँ होगा, लाहौर होगा, क्योंकि रावी नदी के किनारे बसा हुआ फेमस शहर लाहौर है। यानी 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर के अंदर पहली बार ये तिरंगा फहराया, पहली बार तिरंगा फहराया। ये तिरंगा डोमेस्टिक तिरंगा था यानी स्वदेशी तिरंगा था। इसे बनाने वाला था जयसागर। इस तिरंगे में गांधी जी का चरखा मौजूद था। हालांकि जो अब तिरंगा है उसके अंदर अशोक चक्र है, और अब वाला तिरंगे का निर्माता अलग है, जिनका नाम है पिंगली पिंगली वेंकैया, ठीक है, जिसे हम नेशनल ट्राइकलर मानते हैं। उसके बाद है फर्स्ट रिपब्लिक पूर्ण स्वराज डे 1930, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज डे मनाया गया। यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने एक प्रकार से रिपब्लिक डे के रूप में देश में शुरुआत की गई। यही 26 जनवरी है जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज मनाया, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पास किया, और यही हमारा पूर्ण स्वराज दिवस भी था, फर्स्ट रिपब्लिक डे भी था, आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट भी करने लगे थे। हर साल मनाया जाता था, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन हमने जो 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था उसी को भी इसी दिन की यादगार बनाने के लिए फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को जाकर के हमने लागू किया था। फिर बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, मेन चीज ये है कि जो दांडी मार्च है वो गांधी जी के द्वारा एक नए आंदोलन की शुरुआत है। गांधी ने जब इस आंदोलन को शुरू किया गया तो इसमें मेन बात क्या थी कि गांधी जी एक नए आंदोलन की नींव रख रहे थे, और यहाँ पर जो नए आंदोलन की नींव रखी जा रही थी ये नया आंदोलन था आप लोगों के लिए, नया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग सिविल डिसोबे मूवमेंट भी कह सकते हैं। गांधी जी के लिए जो ये दांडी मार्च था इसकी टाइमिंग कई बार पूछ लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई, समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। शुरू कहाँ से हुआ, साबरमती आश्रम से। समाप्त कहाँ हुआ, दांडी समुद्र तट पर। गांधी जी के कितने फॉलोवर थे, 78। गांधी जी के इसमें 78 लोग थे जो गांधी जी के पीछे पीछे इस पूरे के पूरे सफर में चले थे। 78 लोग, साथ में गांधी जी थे, टोटल अगर मिलाएंगे तो 79 लोग ये टोटल थे। कितने दिन की यात्रा थी, अगर लंबाई देखेंगे तो 332 किलोमीटर का सफर था, ये तिल का सफर था, पैदल यात्रा थी, ठीक है। कितने दिन यात्रा चली, 12 मार्च से अगर 6 अप्रैल देखते हैं तो 24 दिन की ये यात्रा थी, और 24 दिन की यात्रा पूरी जब की गई तो यहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाया, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की यात्रा जो तुलना थी वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से गांधी जी की नमक यात्रा की तुलना की गई थी। यानी गांधी जी की नमक यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा के बराबर है, ये तुलना करने वाला सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा, ये इसको याद आप रखना। अब बात करते हैं सिविल डिसोबे मूवमेंट। जैसे ही 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया नमक बना करके, वहीं से सिविल डिसोबे मूवमेंट शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की,
पहले था असहयोग कि सहयोग नहीं करेंगे, अब है सिविल डिसोबे मूवमेंट। सिविल डिसोबे मूवमेंट का क्वेश्चन अलग रहेगा। सिविल डिसोबे मूवमेंट में सबसे खास बात क्या रहेगी कि यहां वहां हम कह रहे थे कि हम मदद नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं लेंगे, लेकिन यहां हम क्या कह रहे थे, यहां हम कह रहे थे कि सहयोग छोड़िए, हम आप लोगों के कानून ही नहीं मानेंगे। सिविल डिसोबे मूवमेंट यानी सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना, उनको तोड़ना, हम उन्हें नहीं मानेंगे। पूरे देश के अंदर आंदोलन जोरों पर था। हालांकि देश के बड़े जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन यहाँ देश के अंदर क्रांतिकारी लोग बहुत ज्यादा जोरों से यहाँ अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार होकर बैठे थे। अब आइए देखते हैं, अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, भारतीय क्रांतिकारियों को और पार्टियों को मनाने और दबाने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया, राउंड टेबल मीटिंग, जिसे बोलते हैं राउंड का मतलब गोल, टेबल का मतलब मेज, गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन। तीन गोल मेज सम्मेलन हुए, 1, 2, 3। तीनों गोल मेज सम्मेलनों के अंदर अलग अलग रूप से कोशिश की गई। सारे के सारे गोल मेज सम्मेलन लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर होने थे। इंग्लैंड के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन होने थे, इन सब के अंदर कोशिश क्या की थी कि भारतीयों के साथ समझौता किया जाए, इंग्लैंड में बुलाया जाए, इंग्लैंड के अंदर मीटिंग होगी, भारतीय क्रांतिकारियों से इंग्लैंड के लोग बात करेंगे और एक समझौते पर पहुंचेंगे ताकि एक नया कानून लाया जा सके, क्योंकि 1909 का मार्लियामेंटो को रिप्लेस कर दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को फिर रिप्लेस करना था, तो यहाँ पर समझौता होने की गुंजाइश लग रही थी। अब हुआ क्या, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कब बुलाएगी, 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग बुलाई गई, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो मेन चीज थी वो ये रही कि फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में बाकी पार्टियां तो गई, बट कौन नहीं गया, कांग्रेस नहीं गई। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग फेल हुई। फेल क्यों हुई, क्योंकि इसमें कांग्रेस नहीं गई, और कांग्रेस की ना जाने से फेल हो गई, क्योंकि कांग्रेस अगर मेन पार्टी थी, आंदोलन कांग्रेस कर रही थी, बड़ा दल कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ ही समझौता होना मेन चीज थी। अब यहां मेन बात क्या रही, कांग्रेस के ना जाने से ये फेल हुआ, और ये कहा जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग को क्या कहा गया, बिना दूल्हे की बारात। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग को बिना दूल्हे की बारात कहा गया। बिना दूल्हे की बारात क्यों कहा गया, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी इसमें, दूल्हा कांग्रेस को कहा गया है, जब तक दूल्हा नहीं पहुंचेगा तब तक बारात का स्वागत नहीं होगा, क्योंकि मेन जरूरत तो दूल्हे की ही होती है ना, विवाह में, शादी में, फंक्शन में, तो यहाँ भी इसे फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कहा गया। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कहा गया, ये क्वेश्चन भी याद रखना कि तीनों के तीनों राउंड टेबल मीटिंग इंग्लैंड में किसके अंडर में हुई थी, इन द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम मैकडोनल्ड। उस समय इंग्लैंड के पीएम, ब्रिटेन के पीएम, पीएम मैकडोनल्ड थे, उनकी अध्यक्षता में सारी मीटिंग होनी थी। और भारत के अंदर उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। ये कहते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में जब कांग्रेस नहीं गई तो अंग्रेजों की सरकार की तरफ से, मैकडोनल्ड की तरफ से इरविन को बहुत ज्यादा डांट पड़ी। लॉर्ड इरविन को डांट पड़ी कि राउंड टेबल मीटिंग में अगर देश का बड़ा दल नहीं आता है तो तुम वहां क्या कर रही हो, तुम्हारा इतना भी डर और इतनी भी वहां पर हैसियत नहीं है कि आप कांग्रेस को बात करने के लिए बुला सको। जब ये बात हुई तो इरविन पर डांट पड़ी और इरविन को सख्त आदेश दिया गया कि अगर सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस या कोई बड़ा दल भारत का नहीं आया तो तुम अपना सामान उठा करके इंग्लैंड जरूर आ जाना, तुम्हें भारत के अंदर वायसराय बनने का कोई अधिकार है ही नहीं। जब ये बात हुई तो लॉर्ड इरविन बहुत घबराया, और घबराया इतना कि उसने हर हालत में कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में ले जाने का फैसला कर लिया। और यहीं पर कहते हैं एक जो बड़ी बात हुई वो एक बहुत बड़ा समझौता यहाँ पर इस तरीके से होना था कि जब सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में कांग्रेस को ले जाना है, गांधी जी को ले जा मनाना है, तो इरविन को कुछ अलग करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि इरविन को अपने पद की भी भूख थी और इरविन हर हालत में अंग्रेजी सरकार को खुश करना चाहता था इंग्लैंड में, तो उसने क्या किया, इरविन कहता, इरविन अपनी किताब में लिखता है जीवनी में कि हमने ये फैसला कर लिया था कि एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी प्राइज हम गांधी और कांग्रेस को मना के रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें किसी भी, कितने भी क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या किन्हीं लोगों को जेलों से रिहा करना पड़े, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। आमतौर पर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कई किताबों में, फिल्मों में, कुछ नाटकों में,
यूट्यूब की कुछ वीडियोज में आप लोगों को एक चीज आमतौर पर सुनने को मिल जाती है कि अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गांधी जी चाहते तो बचा लेते, यानी अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से बचवा सकते थे। अब वो जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पर पुख्ता हो जाता है। ये जो टर्निंग पॉइंट जब हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर वो उस चीज के कुछ ना कुछ लक्षण आपको नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब किताबों में चीज चली है, लोगों के मनों में चीजें आई है, लोग बता रहे हैं, तो चीज प्योरी झूठ तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई बात उसमें लॉजिक जरूर होगा। और ऐसे लोगों के लिए बात आई है, भगत सिंह जैसे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं बात मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सच लगती है। ये मेरा अपना भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हुआ, जब इरविन ने कहा कि हम अंग्रेजों को के पास लेके जाएंगे कांग्रेस को और गांधी जी को, तो उसलिए उन लोगों ने फिर बातें और मुलाकातें तेज कर दी। 31 में मीटिंग हुई थी, 30 में जब पहली मीटिंग हुई तो नहीं गए, और 31 के लास्ट में जब दूसरी मीटिंग होनी थी, उससे पहले गांधी जी और कांग्रेस को मनाने का सिलसिला इरविन ने शुरू कर दिया। और जब इरविन ने गांधी जी से समझौते की पहल की, तो कहते कि 4 मार्च को समझौते की नींव रखी गई। उससे पहले दोनों तरफ से ये बात हुई, इरविन ने शर्त रखी कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कर देंगे और सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में जाएंगे। गांधी जी की तरफ से जो शर्तें थी, वो इरविन ने कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए। तो गांधी जी को ये लग रहा था कि हालांकि पूरे से पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने वाले बहुत ज्यादा क्रांतिकारी लोग थे, और वो लोग ये मान के बैठे थे कि गांधी जी इरविन के सामने जो शर्त रखेंगे वो ये रखेगी कि हम आंदोलन को बंद तब करेंगे और इंग्लैंड में बात करने तब जाएंगे जब आप क्रांतिकारी लोगों को छोड़ोगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को छोड़ोगे। और ये इरविन खुद भी मानता था कि अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, बट सम्मेलन सफल जरूर करना सेकंड राउंड टेबल मीटिंग वाला। लेकिन यहाँ कहते हैं गांधी जी की तरफ से, और यहाँ से जो लेटर दिया गया अपनी शर्तों का, उसमें ये वर्ड लिखा गया था कि सभी बेकसूर भारतीयों को रिहा किया जाए। ये एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है, सभी बेकसूर भारतीयों को रिहा किया जाए। अब बेकसूर की बात रहेगी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो अंग्रेजों की नजर में बेकसूर थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स की हत्या की थी। अब यहाँ जो बेकसूर वर्ड था, ये उन लोगों की बलि ले गया, और ये कहा जाता है कि गांधी, नेहरू जैसे लोगों ने इस शब्द को जानबूझकर डलवाया था। ये उन लोगों का कहना है जो आज भी मानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को चाहते तो गांधी बचा सकते थे, लेकिन ये बेकसूर वर्ड डाल दिया गया। इरविन जैसे लोगों ने फॉर्मेलिटी के लिए 400-500 ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया जो नॉर्मल सी मामलों में फंसे थे या फिर कुछ छोटे मोटे क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को नहीं छोड़ा गया। और ये तथ्य और भी ज्यादा सशक्त कब हो जाता है, जब 4 मार्च को ये समझौता हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। यहाँ ये कहते हैं कि इसी समझौते का वेट वो लोग कर रहे थे। यहाँ पर वो तथ्य और ज्यादा सत्य साबित हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा दर्द होता है। इसी घटना के बीच में अगर आप देखते हो तो इन्हीं डेट्स के आसपास, यहीं पर आप फरवरी के महीने के लास्ट में चंद्रशेखर की मृत्यु के बारे में, कि सुसाइड जो उन्होंने किया था आखिरी अपनी बुलेट से, यहाँ पर भी जिक्र मिलता है कि चंद्रशेखर जी भी नेहरू के पास इसी बात के लिए गए थे इलाहाबाद के अंदर, कि अगर गांधी जी को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते हैं, अगर गांधी जी का इरविन से समझौता हो, तो आप, नेहरू जी, आप गांधी जी से कहना कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुड़वाने की वकालत समझौते में करेंगे। तो जब नेहरू ने कोई भी बात सही से सबूत नहीं दिया, तो इलाहाबाद के अंदर नेहरू के घर से निकल करके चंद्रशेखर एल्फर्ड पार्क आए थे, एल्फर्ड पार्क आए थे, जो इलाहाबाद के अंदर नेहरू के घर से एल्फर्ड पार्क का डिस्टेंस जो जानने वाले कहते हैं कि 15 मिनट का रास्ता ही है। और जब वो उन्होंने कहा कि मैं वहां एल्फर्ड पार्क में हूँ, आप सोच के मुझे बता देना, मैं आपके इंतजार करूंगा आपके जवाब का। और जैसे ही वो एल्फर्ड पार्क पहुंचे, वैसी पुलिस वहां पहुंच गई, गोलीबारी चली, पुलिस ने चंद्रशेखर जी को घेर लिया। आखिरी बुलेट उनकी पिस्टल में थी तो उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कसम उठाई थी कि अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ तक नहीं लगा पाएंगे। तो जानने वाले ये भी कहते हैं कि नेहरू को ही पता था कि अल्फर्ड पार्क में चंद्रशेखर जी हैं, और पुलिस को कहीं ना कहीं खबर वहीं से लीक हुई थी। ये भी आरोप
आजाद भारत के अंदर धीरे धीरे लोग लगाने लगे हैं, क्योंकि अब बोलने की आजादी हो, मीडिया हो, किताबें हो, सोर्सेज हो, लोगों की कहानियां हो, ये सारी धीरे धीरे करके निकल के आती हैं। उसके बाद ये था आपका गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो दिल्ली समझौता भी है। उसके बाद जब ये समझौता हुआ तो फिर गांधी जी सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में गए। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुई। 7 सितंबर 1931 से ये मीटिंग शुरुआत हुई, और इस मीटिंग को जब शुरू किया गया तो इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कौन गया? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गया। यहाँ पूछा जाता है पहली मीटिंग में कौन नहीं गया? कांग्रेस नहीं गई। दूसरी मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कौन गया? महात्मा गांधी जी गए। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब यहाँ गए गांधी जी तो गांधी जी अपने धोती में गए थे, और यहाँ पर अंग्रेजों के अंदर एक उस समय के एक बड़े मंत्री थे, नेताजी थे, विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाकर के इंग्लैंड प्रधानमंत्री भी बने। चर्चिल ने इसी में गांधी जी को अर्ध नगन फकीर कहा था, हाफ नेक्ड संत कहा था, ये भी आपको याद रखना है। अब जब यहाँ मीटिंग में बातचीत शुरू हुई तो गांधी जी के सामने जो वायदे किए थे उस समय समझौते के दौरान इरविन ने, उन वायदों को नहीं माना गया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें मना कर दिया। गांधी जी ने कहा समझौता हुआ है, अंग्रेजों ने कहा कि हम इरविन की बात को नहीं मानते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ अपने आप को कमजोर महसूस किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी की शर्तें यहाँ मानी नहीं गई। अब गांधी जी को दुख हुआ कि आंदोलन भी रद्द करवा दिया, या मीटिंग में भी आ गए, अब यहाँ हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो गांधी जी ने मीटिंग का बायकाट किया, और बायकाट करके गांधी जी भारत लौट आए। भारत लौट आने से पहले गांधी जी ने मीटिंग में कहा था कि देश में जाकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करूंगा। जब गांधी जी भारत में हवाई अड्डे पर उतरे तो गांधी जी को उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके उन्हें पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया। पूना की यरवदा जेल में कैद कर लिया। पूना की यरवदा जेल में गांधी जी को आमतौर पर कैद किया जाता था, ये भी आपको, कई बार वहां पर गए हैं जेल में। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल मीटिंग 1932 में हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, और ये मीटिंग भी फेल हो गई। ये कहा जाता है कि एकमात्र भारतीय नेता जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गया वो था बी आर अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसा नेता भारतीय था जो तीनों राउंड टेबल मीटिंगों में गया, और वह दलित समुदाय का प्रतिनिधि बनकर के गया था। यहां से बी आर अंबेडकर के अंग्रेजों से नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1929 को फांसी दे दी गई। ये भारत के लिए एक काला दिन माना जाता है देश के इतिहास में, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये शोक का दिन है। तीन ऐसे देश के चिराग जो चंद्रमा की तरह देश में चमकते थे, जिन्होंने देश के अंदर बहुत बड़े रोल प्ले किए थे देश की आजादी के लिए, वो व्यक्ति हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे लोगों पर आज भी गर्व है। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे इस तरीके के बने। उसके बाद कॉमनल अवार्ड 16 अगस्त 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। ये दो चीजें आपको यहाँ और याद रखनी है, कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट। कॉमनल अवार्ड की बात करेंगे तो कॉमनल अवार्ड के बारे में भी बहुत ज्यादा बवाल बाद में जाकर हुआ। अंग्रेजों ने भारत के अंदर बी आर अम्बेडकर जी के कहने के ऊपर जाति के आधार पर रिजर्वेशन की या आरक्षण की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद ये कहते हैं कि गांधी जी इस बात से नाराज थे जब बी आर अम्बेडकर, क्योंकि यहाँ एक कंट्रोवर्सी थी, और यहाँ दो लोगों का अगर नाम आप देखते हैं, एक नाम है बी आर अम्बेडकर और एक नाम है गांधी जी, महात्मा गांधी, यहाँ दो लोगों का जिक्र है। महात्मा गांधी के पीछे जो आम जनता थी, महात्मा गांधी के पीछे जो आम जनता थी वो या तो दलित समुदाय था या फिर वो पिछड़ा वर्ग था, और यही लोग थे जो गांधी जी के बैकबोन थे, उनके आंदोलनों में भर भर कर आते थे। और इस तरह बी आर अम्बेडकर, इनका भी निशाना इसी समुदाय के ऊपर था। जब तीनों राउंड टेबल मीटिंगों में बी आर अम्बेडकर गए तो अंग्रेजों से नजदीकियां बढ़ी, उन्होंने भी इनके अंदर एक सफल राजनेता बनने की
जो जिज्ञासी थे उसको महसूस किया, और फिर अंबेडकर जी से कहा गया कि अगर आप लोग गांधी जी के जैसा बनना चाहते हैं तो आप लोगों को दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। और क्योंकि अंग्रेज गांधी जी से तंग आ चुके थे, समय समय पर उनके आंदोलन से घबराते थे, वो चाहते थे कि गांधी जी का कोई अल्टरनेट मिले, और अंबेडकर भी चाहते थे कि वो सफल हों, तो उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए जो रिजर्वेशन की मांग के लिए जो कम्युनल अवार्ड यहाँ लॉन्च किया। इससे अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम आप अगर आप चाहते हो सफल होना तो आप दलितों के लिए कुछ मांग कीजिए रिजर्वेशन वगैरह की। अंग्रेजों ने जब ये कहा तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है। जब ये मांग की गई तो गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, ये मैंने आपको पहले बताया है, यरवदा जेल में थे। जब उन्हें पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनके पास भी दो समस्याएं थी। एक तो वो ये कहते थे कि अगर ऐसा रिजर्वेशन हुआ तो देश का बंटवारा हो जाएगा। पहले अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल में हिंदू मुस्लिमों के आधार पर बंटवारा किया, अब धर्म के आधारों की बात अब जाति के आधार पर करेंगे। और दूसरा उनको दुख ये था कि अगर ये समुदाय बी आर अम्बेडकर का सफल हुआ इसमें तो ये समुदाय उनको छोड़ करके इनकी तरफ झुक जाएगा, जो उनके राजनीतिक एक प्रकार से छवि के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि नेताओं की और समाज इतने बड़े हस्तियों की छवि तभी होती जब जनता इनके पीछे होती है। जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल, भूख हड़ताल या फिर कह सकते हैं आमरण अनशन, आमरण अनशन शुरू कर दिया। 13 दिन के बाद तबीयत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज करवाया गया। बी आर अम्बेडकर को लगा कि अगर गांधी जी अगर कुछ हो गया तो फिर जनता कभी माफ नहीं करेगी, तो इसलिए वो पूना की यरवदा जेल में गए। वहां पर गांधी जी से 24 अक्टूबर को बात हुई और एक दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। दोनों ने वायदा किया कि वो दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड का विरोध करेंगे और अंग्रेजों से मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ भी याद रखना, पूना समझौता किस किस के बीच हुआ, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, कब हुआ, ये डेट आपने देख ली तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 के अंदर की गई थी, जयप्रकाश नारायण ने और मीनू मासी के द्वारा। अच्छा, गांधी जी के यहाँ दो क्वेश्चन और याद रखना आप लोग, हरिजन सभा, हरिजन समाचार पत्र, हरिजन वार्ड, ये तीनों ही शुरू करने वाला महात्मा गांधी था। इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अगर आप देखते हो तो कई सारे ऐसे रूल थे जो काफी इंपॉर्टेंट रहे, जिन रूल्स का बहुत बड़ा रोल देश के अंदर आज भी आपको देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है जिसको जिसका भारतीय भारतीय संविधान कर्जदार ऋणी भारतीय संविधान पर प्रभाव छाया जिसका माना जाता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है। इसके अंदर कई सारे ऐसे रूल प्ले किए गए जो भारत के अंदर आज तक भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से हमारे देश में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी समय अगर आप देखते हो तो यहीं पर भारत के लिए राज्यों के चुनाव, राज्यों के चुनाव की यहाँ बात हुई 1935 में, लेकिन राज्यों के चुनाव करवाए कब गए, 1937 में। यहीं पर 1934 में आरबीआई एक्ट बना, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, कहां पर हुई, कलकत्ता में। 1935 में 37 में 2 साल बाद आरबीआई को बॉम्बे शिफ्ट किया गया और इसी आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज्ड किया गया। ये सारी घटनाओं की कड़ियां यहीं से शुरू होती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप स्टार्टिंग में देखते हो तो 1935 से इसकी शुरुआत मानी जाती है आजाद भारत के अंदर, हालांकि हमने 1949 में इसको दोबारा नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप यहीं पर मान के चलते हैं तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। स्टेट इलेक्शन भारत के अंदर 1937 में हुए, ये भी एक देश के अंदर एक बड़ा चुनौती थी, अलग अलग राज्यों के अंदर किस प्रकार के चुनाव करवाए जा सकते हैं। फिर
फिर आप देखते हैं, हालांकि इसमें ज्यादातर राज्यों के अंदर कांग्रेस को ज्यादा हिस्सेदारी मिली, मुस्लिम लीग को दो ही राज्यों के अंदर सरकार बनाने का मौका इसमें मिला था। सुभाष चंद्र बोस चेयरमैन इज इन INC। सुभाष चंद्र बोस INC के अंदर जो चेयरमैन बने वो दो बार बने हैं, और दोनों ही बार उन्हें चेयरमैन बनने का जो मौका मिला वो काफी हैरतअंगेज करने वाला था, क्योंकि 1938 के अंदर जब वो कांग्रेस के चेयरमैन बने, तो 1938 में कांग्रेस के चेयरमैन बने तो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा के अंदर, और 1939 में जब बने तो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी के अंदर। 1938 में जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने पूरे साल कार्यक्रम किया, और जब 1939 में चेयरमैन बनने की बात आई तो गांधी जी और नेहरू ग्रुप नहीं चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस जी चेयरमैन बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को चेयरमैन बनने का प्लान काफी सारे लोग बना चुके थे और उन्होंने उन्हें लॉन्च किया। सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले में जो गांधी ग्रुप का जो व्यक्ति चुनाव में उतारा गया उसका नाम था पट्टाभि सीतारमैया। पट्टाभि सीतारमैया को उनके मुकाबले में चुनाव के अंदर उतारा गया। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सुभाष चंद्र बोस किसको हरा करके चुनाव जीते, पट्टाभि सीतारमैया को हराया, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते। जैसे ही चुनाव जीतने के बाद मीटिंग शुरू हुई तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने मीटिंग में कहा कि अंग्रेज वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वार में उलझ जाएंगे, अब हम अंग्रेजों को यहां से आंदोलन करके निकाल सकते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि नहीं सुभाष, जब दुश्मन मुसीबत में हो तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात जब गांधी जी ने सुनी तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और चेयरमैन के पद से भी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो उनका पद किसे दिया गया, तो ये आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पट्टाभि को मिला होगा। नहीं, जब सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर इस्तीफा दिया तो उसके बाद जो पद दिया गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पद मिला। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में आपका कांग्रेस को छोड़ने के फिर बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में चला, वही दोनों ग्रुप आपको यहाँ भी नजर आएंगे। एक तरफ मित्र राष्ट्र आएंगे, दूसरी तरफ ध्रुवी राष्ट्र आएंगे। मित्र राष्ट्रों की तरफ इस समय USA भी शामिल था, इंग्लैंड तो इसमें था ही, एक तरफ इसमें फ्रांस था, इस तरफ देखोगे तो जर्मनी था, दूसरी तरफ देखोगे आप लोग इटली था, उसके बाद तीसरा कंट्री यहाँ जापान ने भी हिस्सेदारी अपनाई। भारत यहाँ भी कहीं ना कहीं फेवर में तो था, बट समर्थन सीधे रूप में भारत ने नहीं किया था। अगस्त ऑफर 1940 में भारत में अंग्रेजों ने भेजा, इसका उद्देश्य था भारतीयों को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना, लेकिन भारतीयों ने इनकार कर दिया था, यह याद रख लेना। उसके बाद पाकिस्तान के जन्म की कहानी कैसे शुरू होती है, ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तीन आधार पर शुरू हुआ है। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मोहम्मद इकबाल उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था जिनकी गजल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए भारतीय मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। यहां इकबाल ने पहली बार धर्म के आधार पर मुसलमानों का अलग देश की बात की थी। रहमत अली खान जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी था, उसने 1933 में इंग्लैंड के अंदर कुछ पर्चे बंटवाए जिनमें लिखा था कि भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक देश होना चाहिए, और ये पर्चे इंग्लैंड में बंटे थे तो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी सरकार इसको सीरियस ले रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के
अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की स्थापना का प्रस्ताव पास करवाया। तो ये तीन स्टेज पर एक भारत से एक अलग मुस्लिम देश बनने की स्टोरियां शुरू हुई। मोहम्मद इकबाल पहला व्यक्ति जिसने धर्म के आधार पर अंग्रेज मुसलमानों का देश की मांग करी। रहमत अली खान ने पाकिस्तान शब्द इसे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग से पास करवाया 1940 के अंदर, कहां पर? लाहौर अधिवेशन के अंदर। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में, मार्च 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन, द क्रिप्स मिशन वाज ए फेल्ड अटेम्प्ट इन लेट मार्च 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट इन वर्ल्ड सेकंड वार। यानी ये क्रिप्स मिशन भारत के अंदर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से सेकंड वर्ल्ड वार में समर्थन लेने के लिए भेजा था। इस मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे, लॉर्ड प्रिवी सील एंड लॉर्ड प्रिवी जैसे लोग इसके अंदर मेंबर के रूप में बनकर के भारत आए थे। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? गांधी जी सेड दैट क्रिप्स ऑफर ऑफ द ऑफ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ड्रोन ऑन ए ट्रेसिंग बैग। यानी गांधी जी ने ये कहा था कि क्रिप्स मिशन ये कहता है कि आपको युद्ध खत्म होने के बाद एक डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इसे कहा था ये दिवालिया बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। यानी एक ऐसे बैंक का चेक है, ये बाद की डेट का चेक है जो बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है। यानी कोई बैंक मान लो 10 जनवरी को दिवालिया हो गया और उस बैंक के लिए कोई 20 जनवरी का चेक देगा तो वो कैसे पास हो सकता है? यानी गांधी जी ने इसे एक दिवालिया बैंक का बाद की डेट का भुगतान का एक चेक बताया था, यानी नकार दिया था। कहने का मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया और गांधी जी के करो या नरो का मरो का नारा देने पर ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को इसी समय राष्ट्रपिता का नाम दिया। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का जो नाम है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो के नारे से प्रभावित होकर दिया था। गांधी जी का सबसे बड़ा, ये सबसे गुस्से वाला नारा आमतौर पर माना जाता है। ये आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को समाप्त हो गया क्योंकि गांधी जी से ऐसे बड़े सारे लीडर नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो यहीं पर आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1920 से 1940, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इसे बनाया गया। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज 1943, सुभाष सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे बनाया गया। अच्छा यहाँ कई बार क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ क्वेश्चन हो आजाद हिंद फौज, अगर इसमें क्वेश्चन आता है टोक्यो, टोक्यो यानी जापान, और यहाँ आजाद हिंद फौज, यहाँ नाम आता है सिंगापुर। जब टोक्यो जापान आएगा और सिंगापुर, यहाँ पर आएगा तो आंसर आएगा 1942, यहाँ आएगा तो आंसर आएगा 1943, यहाँ आएगा तो फिर आपने नाम लिखना है रास बिहारी बोस, और यहाँ आएगा तो फिर नाम लिखना है सुभाष चंद्र बोस, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी फार्मूला, अंग्रेजों के ने जब प्लान बना लिया था कि जब वैसा भारतीय चाहेंगे विभाजन हो सकता है, तो जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में टकराव बढ़ा, जिन्हा की हठ धर्मिता से पाकिस्तान की मांग बढ़ती गई, तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया जिस जो इसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तैयार किया था, जो भारत स्वतंत्र भारत के पहले बाद में गवर्नर भी बने, भारतीय भारतीय गवर्नर पहले। तो उन्होंने ये फार्मूला लाया, उनका ये कहना था कि देश को आजादी मिल जाए उसके बाद देश के बंटवारे की बात कर लेंगे, अगर देश के लोग चाहेंगे तो पाकिस्तान बना देंगे, नहीं तो एक देश में रह लेंगे। तो ये फार्मूला कांग्रेस ने इस फार्मूले का स्वागत किया और मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया इसे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद वेवेल प्लान, वेवेल प्लान भी 1945 के अंदर
भारत आया। वेवेल प्लान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें बहुत जबरदस्त थी। एक तो वेवेल प्लान के अंदर ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक बड़ी, क्योंकि वेवेल प्लान के अकॉर्डिंग भी जो उस समय भारतीयों के वायसराय थे, उसने भी भारतीयों के बीच में मित्रता स्थापित करने के लिए कई सारी कोशिशें की, लेकिन वो भी उस समय सफल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद नेवल प्रोटेस्ट, जो भारतीय अंग्रेजों की, जो भारत के ये जो मिलिट्री बनी हुई थी, उसने 19 फरवरी 1942 के अंदर विद्रोह कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त विद्रोह था जिसको काबू पाना अंग्रेजों के लिए बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके एक दिन बाद तुरंत, अगर 19 फरवरी को नेवी का विद्रोह हुआ और 20 फरवरी 1946 को कराची में एयरफोर्स ने विद्रोह कर दिया, यानी कहीं ना कहीं भारत की आजादी की शुरुआत यहाँ होने वाली थी। कैबिनेट में 1946 में भारत आया, जिसमें दो चीजें कही गई थी। एक, भारतीयों को संविधान बनाने का न्योता, इन्विटेशन दिया गया। दूसरा, भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार बनवाई गई। उसके बाद इंटरनल गवर्नमेंट बनवाई गई, 2 सितंबर 1946 को बन गई। और यहीं से डायरेक्ट एक्शन डे, ये बहुत बड़ा, इसे काला दिन कहा जाता है भारतीय इतिहास में, खूनी दिन माना जाता है, इसे खूनी दिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन था आजादी से 15 अगस्त 1947 से ठीक एक साल पहले, यानी एक साल 16 अगस्त 1947 से, ये मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश पर कत्लेआम, मर्डर हुए देश के अंदर लोगों की। ये इसलिए थे क्योंकि इस समय गांधी जी ने कह दिया था कि देश का विभाजन नहीं होगा, अगर देश का विभाजन हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से होगा, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से होगा। और इसलिए जिन्ना बहुत घबराया हुआ था, उसको लग रहा था कि गांधी जी अगर ऐसा कहते हैं तो बहुत से मुस्लिम हैं जो गांधी जी को बहुत सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब देश का विभाजन नहीं होगा, अब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जिन्ना किसी भी कीमत पर विभाजन चाहता था, और उसने जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर भड़काना शुरू कर दिया। और 16 अक्टूबर अगस्त का दिन सीधी कार्रवाई, इसे डायरेक्ट एक्शन डे को हिंदी में कहते हैं सीधी कार्यवाही दिवस, सीधे कार्यवाही दिवस कहा गया। उसने कहा कि इस दिन हिंदुओं के कत्ल किए जाएंगे, जहां मुस्लिम लोग थे उन इलाकों में हिंदुओं को सरेआम मारा गया। खबर जब हिंदू एरिया में पहुंची तो वहां मुसलमानों को बहुत ज्यादा कत्लेआम किया गया। यानी कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए, जिस दंगे में सैकड़ों लोगों की जाने गई, हजारों लोगों के आंकड़े माने जाते हैं एक्चुअली में तो, और बहुत से लोग घायल हुए। जिसके बाद गांधी जी ने कहा कि मुझे इस शर्त पर देश का एकता नहीं चाहिए, अगर इस शर्त पर भारत का भी, पाकिस्तान का विभाजन, बंटवारा, भारत का बंटवारा रुकता है तो मुझे ऐसा बंटवारा रोकना नहीं है, ठीक आप अपना देश अलग कर लीजिए। तो ये गांधी जी और दूसरे नेताओं को एक प्रकार से झुकाने के लिए बहुत बड़ा काला दिन मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसे हम लोग माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 3 जून 1946 को, इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत देश को, भारत देश को आजादी मिली थी। इसी में ये कहा था कि आज हम कानून पास कर देते हैं और यहाँ पे आपको इसको ये रहेगा 47 रहेगा, यहाँ याद है मिसप्रिंटिंग है, 47 रहेगा। इसी दिन कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बन जाएगा। और यहीं से इंडिया गोट फ्रीडम 15 अगस्त